लाइव है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं अरुण गौतम सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, इवन आज की इस मास्टर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे बच्चों। तो जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, आगे की बातचीत मेरे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उस तैयारी में ही चार चांद लगाने के लिए मेरे बच्चों यहां पर मैं ये वाली मास्टर क्लास ऑफ इंग्लिश लेकर आया हूं आप सभी के लिए। तो जो जो स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आई होप उनकी कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत अच्छा होगा और सभी इस क्लास का वेट भी कर रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सभी का स्वागत है। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे मेरे बच्चों। वेलकम यू ऑल, कमेंट्स काफी स्पीड से जा रहे हैं और देख पाना मुश्किल है। तो सभी 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 प्यारे बच्चों का दिल से अभिनंदन करता हूं मैं, अरुण गौतम सभी का स्वागत करता हूं। तो फटाफट से आ जाएंगे मेरे बच्चों। और सबसे पहले मुझे बताओ, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों, फटाफट से। तो आज हम लोग इस मास्टर क्लास को लेकर आए हैं जो कि लगभग 2 घंटे 4 बजे तक की क्लास रहेगी आप लोगों की, और जितने हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाएंगे करेंगे बच्चों, है ना? तो ऑल गुड, ठीक है, ठीक चल रही है, दैट्स गुड, अच्छी चलनी चाहिए बच्चे। वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस आपको रखना बहुत जरूरी है, है ना? जब तक हमारे अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तब तक चीजों को जीत पाना वैसे भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाया करता है। तो स्वागत है मेरे बच्चों दोबारा से सभी का, आ जाएंगे जी सारे के सारे स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये आपके सामने एक पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, 8 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। सबसे पहले मुझे बताएं क्या आपको विजिबल है? ये विजिबल शायद होगा ही होगा, बिल्कुल नहीं भी होगा तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है? अब तो अच्छे से दिख ही रहा होगा, ठीक है, अब तो अच्छे से दिख ही रहा है। चलिए, तो डायरेक्शन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जानते हो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, फिर भी मैं पढ़कर बता देता हूं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखो, हो सकता है कई बार क्या होता है पैसेजेस में मेरे बच्चों, एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा क्वेश्चंस आपके आंसर्स हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट हमें कहीं ना कहीं आंसर्स करना होता है, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें करना होता है। चलिए जी, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हटता हूं, आपके पास 1 मिनट का समय है, 1 मिनट का समय है, आप लोग इसको पढ़ें फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से एक बार इसको पढ़ लेंगे। ओके, आ जाएंगे भाई। जल्दी से रीड करेंगे मेरे बच्चों, जल्दी से रीड करेंगे फटाफट से, प्यारा सा एक पैसेज है आपके सामने, उसको जल्दी से रीड करें फिर इनके आंसर्स हम लोग देखते हैं।
फटाफट से देखेंगे। जी हाँ बच्चे, ये प्रीवियस ईयर के ही हैं बच्चे, फटाफट से देखें आप लोग जल्दी से। स्वागत है। चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। प्यारा सा एक स्टेटमेंट है और आप लोग देख सकते हैं, और उसका प्यारा सा एक पैसेज है, देखते हैं क्या है। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ऑफ द लार्जर एनिमल्स द एलिफेंट इज परहैप्स द मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या कहता है कि जो बड़े जो जानवर है ना, उनमें जो एलिफेंट है वो सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट है। क्या है? मोस्ट इंटेलिजेंट। द लव ऑफ एन एलिफेंट काउ फॉर हर ऑफस्प्रिंग इज ऑलमोस्ट ह्यूमन। अब ध्यान से देखना, यहां पर एक शब्द यूज किया गया है बच्चे, एलिफेंट काउ। अब हमें लग रहा है एलिफेंट और काउ की बात की गई है ना बच्चे। एलिफेंट काउ की अगर मैं बात करूं तो एलिफेंट काउ का मतलब होता है जो हथनी होती है ना, एक हाथी होता है और उसका फीमेल वर्जन हथनी को बोलते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोल दिया करते हैं इंग्लिश में, क्योंकि एलिफेंट में कोई ऐसा जेंडर स्पेसिफिक नहीं किया था। मेल एलिफेंट को आप लोग अगर स्पेसिफिक करने के दिखाएं तो एलिफेंट बुल बोल दिया जाता है, ठीक है, या फिर सिर्फ बुल भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो उसी का फीमेल जेंडर दिखाने के लिए बुल का हम लोगों ने फेमिनिन कर दिया, तो काउ, तो एलिफेंट काउ का मतलब आप जान गए हैं, महिला है ना, जो एलिफेंट में महिला जेंडर को दिखाता है, फीमेल जेंडर को दिखाता है। और सेंटेंस से भी क्लियर हो गया, फॉर हर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब अपनी संतान के लिए जो एलिफेंट का लव है वो बिल्कुल इंसानों के जैसा ही है, इंडीड समटाइम इवन मोर देन ह्यूमन, और कभी कभी तो देखा गया है इंसानों से भी ज्यादा प्यार को कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक एक लाइन को अच्छे से समझना है, अगर आप पैसेज को अच्छे से समझ पाओगे तो ही आंसर्स दे पाएंगे, ठीक है। इन अफ्रीका एन एलिफेंट काउ वॉज वंस सीन कैरिंग अबाउट हर काफ। काफ का मतलब अपने बच्चे की बात कर रहे हैं, है ना। एक बार अफ्रीका में एक बार देखा गया एक हथनी को कि अपने बच्चे को कैरी करते हुए, दैट हैड बीन डेड फॉर टू डेज, जो कि दो दिन से मरा हुआ था ऑलरेडी। शी वुड पुट इट डाउन व्हेन शी हैड टू ईट और ड्रिंक एंड देन टेक इट अप अगेन एंड मूव ऑन। वो सिर्फ उसको नीचे तभी रखती थी जब उसको कुछ खाना या फिर पीना हुआ करता था, उसके बाद फिर वो उसको लेकर आगे बढ़ जाती थी। ऐसा देखा गया, कहां पर देखा गया? अफ्रीका में देखा गया बच्चे, है ना। तो ये एक प्यार को ही दिखाया कि मरे हुए बच्चे को भी वो अपने साथ कैरी करके लेकर जा रही है। दिस इज नथिंग बट द लव ऑफ एलिफेंट काउ, ठीक है। क्योंकि हाँ, एलिफेंट काउ, मेरे बच्चे समझ पाए एलिफेंट काउ का मतलब क्या है? बिल्कुल सर, पैसे सॉल्व करने का यही स्ट्रेटजी रहेगा क्या? देखिए मेरे बच्चे, जो स्ट्रेटजी है वो तो, जो स्ट्रेटजी की बात अगर मैं करूं तो स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, पहले पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को गो थ्रू करें। मैं यही आपसे कहूंगा कि एग्जाम में आप अपने आप को इसी तरह तैयार करें। बट यहां पर हम, आप देख रहे हो कि हम लोगों ने क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा, सीधा पैसेज पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग चीजों को सीख रहे हैं कि किस तरह से चीजों को पढ़ना है, समझना है। तो हम लोग पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, समझकर फिर उनके क्वेश्चंस को अपना टारगेट करेंगे, ठीक है। चलिए जी, एनदर इंस्टेंस ऑफ एन एलिफेंट काउज लव फॉर हर ऑफस्प्रिंग, एक और वाक्य है एलिफेंट काउ के अपने बच्चे को के प्रति लव को दिखाने का, वॉज रिकॉर्डेड बाय लेंस कॉर्पोरल बेथलेन में, है ना, एक व्यक्ति है जिसके थ्रू कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये प्यार को देखा, वॉन्डरिंग राउंड द क्वीन एलिजाबेथ पार्क, है ना, जो कि क्वीन एलिजाबेथ पार्क में वॉन्डर कर रहे थे, घूम रहे थे।
When he heard an elephant scream, जब उन्होंने एक एलिफेंट के चीख को सुना, स्क्रीम को, चिल्लाने को, he saw the elephant about 100 meters away. उन्होंने लगभग 100 meters दूर पर, 100 meters दूर पर क्या करा, उसको देखा, है ना. A few meters away from the elephant, है ना, said, panting for from hunger, a lioness. कहने का मतलब है, उसने 100 meters के आसपास उस हाथी को देखा और उससे कुछ मीटर्स की दूरी पर जो लॉयन और लॉयनेस है, जो भूख से तड़प रहे थे, उसको देखा. Their tongue hanging out, उनकी जो जीभ थी वो बाहर की तरफ लटकी हुई थी. They did not have the courage to approach the enraged elephant. अब उस विशालकाय हाथी की तरफ वो आक्रमण करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं थी फिलहाल. They remained there for an hour and a half. वो लगभग वहां पर 1 से 1.5 घंटे के आसपास रहे. Every now and then the elephant would charge furiously and then withdraw. Every now and then the elephant would charge furiously. Furiously का मतलब बहुत anger के साथ, and then withdraw, और वहां से फिर वो चले, ठीक है. The next day the corporal went on his rounds again. वो फिर corporal जो था वो अपने round को लगाने के लिए फिर दोबारा से गया. And was surprised to see, और बहुत surprise हो गया, हैरान हो गया देखकर, क्या, the antagonist maintaining their position. Antagonist का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, जो हमारे विरोधी होते हैं, unfriendly होते हैं, ठीक है, जो हमारे विरोधी होते हैं, दुश्मन kind of, ठीक है, वो अपनी पोजीशन लिए हुए. The elephant was by now pretty tired. अब जो हाथी था वो काफी थक गया था, out, and the lions were getting closer and closer. और जो शेर थे अब उस मौके का फायदा उठाकर उसके और ज्यादा नजदीक आ रहे थे. He saw further that the elephant had been guarding a dead calf. ठीक है, और उसने फिर आगे देखा कि जो एलिफेंट है ना वो मरे हुए डेड काफ अपने बच्चे को गार्ड कर रहा है, बचा रहा है, मरे हुए बच्चे को भी बचाने की सोच रहा है. द लायंस withdrew आफ्टर मेंटेनिंग द सीज फॉर 3 days. ठीक है, और जो लायंस थे वो withdrew आफ्टर, मतलब चले गए, मेंटेनिंग द सीज फॉर 3 days, 3 दिन की रुकावट के बाद चले गए. द एलिफेंट काउ स्टूड विजिल फॉर अनदर 3 days बिफोर लीविंग. फाइनली अब जो एलिफेंट थी, हथनी थी, वो फिर भी कहीं ना कहीं बहुत विजिलेंटली, बहुत ही चेतनता के साथ वहां पर 3 दिन के लिए खड़ी रही और फिर हार थक कर वहां से चली गई. तो ये हमारा क्या था बच्चे, पैसेज था. अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी से मैं चाहूंगा आप लोग इनके आंसर दें. एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे. फटाफट से देखेंगे. सबसे पहले द एलिफेंट काउ कैरिंग अबाउट हर डेड काफ. ठीक है, ये किस चीज को एक्सप्रेस करता है, ये किस चीज को एक्सप्रेस करता है, फटाफट से देखेंगे. ये किस चीज को बच्चे एक्सप्रेस करता है, है ना, किस चीज को एक्सप्रेस करता है, है ना. बॉडी इज इल फॉर बोथ ऑफ देम. ठीक है ना, दोनों ही मतलब तबीयत खराब थी इसलिए. एक्सप्रेसेस हर होप दैट इट वुड रिकवर सून, कि वो रिकवर हो जाएगा. एक्सप्रेसेस हर फॉन्ड बिलीव दैट इट इज स्टिल आया, कि वो अभी भी जिंदा है. रिवील्स हर एक्सट्रीम लव फॉर हर ऑफस्प्रिंग. भाई सिंपल सी बात है, उसको ये तो पता था कि वो मर चुका है, बट फिर भी वो उसको अपने साथ रखी हुई थी. तो दिस इज नथिंग बट द एक्सट्रीम लव, है ना. ये क्या था मेरे बच्चों, एक्सट्रीम लव था. तो हमारा आंसर ये हो जाएगा फोर्थ. तो हम कह सकते हैं ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया. ठीक है, ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया. ठीक है, कोई बात नहीं. आप ये पैसेजेस आपको थोड़ा सा चेंज करा के देते हैं. अगले पर आते हैं फटाफट से. देखो अगला स्टेटमेंट बच्चों, अगला स्टेटमेंट देखते हैं. अगला स्टेटमेंट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है. द एलिफेंट काउ स्क्रीम्ड बिकॉज. अब वो एलिफेंट जो हथनी थी वो क्यों चीखी. सिंपल सी यहां पर एक लॉजिक है, आपने देखा था क्यों, क्योंकि
भैया यहां पर उसके सामने क्या थे, चलो जी देखते हैं। हर इंजरीज वर कॉजिंग हर अ लॉट ऑफ पेन, कहने का मतलब उसकी जो चोट थी काफी ज्यादा उसको पेन हो रहा था उस पर। द लॉयंस आर स्केयर है ना ऑफ एलिफेंट, जो लॉयंस थे वो क्या थे, डर गए थे हाथी से इसलिए वो चीख रही थी। शी हैड सीन टू हंग्री लायंस रेडी टू अटैक हर, सिंपल सी बात है आंसर यही हो गया। शी वॉन्टेड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द हर्ड नियर द फॉरेस्ट, तो ऐसा ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आपका आंसर ये हो गया थ्री। तो इसमें किस में आंसर है, तो आप कह सकते हो आपका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर इज सी, सी इज योर करेक्ट आंसर। इजी है ना बच्चे, ऐसे ही क्वेश्चन आया करते हैं, बस यही तो करना है। हम लोग क्या करते हैं कि सर पैसेजेस हमसे नहीं होते, सर पैसेजेस समझ में नहीं आता, तो मैंने बार बार क्लास के दौरान भी मेरे बच्चों यही बताया था कि पैसेजेस को करने के लिए थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर अपना कमांड करें। हम लोगों ने क्लास के दौरान भी अपने बैच में भी बहुत सारे पैसेजेस किए थे और स्ट्रेटजी बताई थी कि किस तरह से करना है मेरे बच्चों। मुश्किल कुछ नहीं होता, उसको मुश्किल हम लोग ही बना देते हैं। हाँ, कई पैसेजेस समझ आने में थोड़े से कई बार टिपिकल लगते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है उसकी वोकैबुलरी के चक्कर में ना, वोकैबुलरी के चक्कर में ऐसा हो जाया करता है। चलिए जी अगला अगला देखते हैं फटाफट से, अगला देखिए भाई फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। When the corporal went on his rounds again, जब वो दोबारा से राउंड लगाने गया, he was surprised to see that, वो सरप्राइज हो गया देखकर क्या, both the elephants cow and the lions had maintained their respective positions, कि दोनों ने ही अपनी respective position ले रखी है। One of the lions had been gored by the enraged elephant cow, जल्दी से देखेंगे भाई फटाफट से इनमें से कौन सा आंसर। आप लोग अपने आंसर्स मेरे बच्चे फटाफट करते रहें, अपने आंसर्स भाई। वन ऑफ द लॉयन हैड बीन गोर्ड बाय द एलिफेंट एनरे काउ, कहने का मतलब है एक जो दोनों लॉयंस में से एक था उसको हाथी ने घायल कर दिया था। द लॉयंस हैड स्टार्टेड बीटिंग अ रिट्रीट, कि भाई वो रिट्रीट कर रहे थे है ना। द एलिफेंट काउ टू लेफ्ट द स्पॉट आफ्टर थ्री डेज, ये सही है, ये भी सही है, बट ये गलत है मेरे बच्चों। ये स्टेटमेंट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि हाथी ने उन पर अटैक कर दिया, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या है, बी। तो लॉयंस को चोटिल नहीं कर दिया था, चोटिल नहीं कर दिया था हाथी ने, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, आगे बढ़ते हैं जी। द पर्पस ऑफ द ऑथर इज टू, पर्पस क्या था ऑथर का मेरे बच्चे, ऑथर का क्या पर्पस था भाई, ऑथर का पर्पस देखते हैं। शो दैट द एलिफेंट and not the lion is lord of the jungle, ki elephant and lion jungle ka raja nahi hai. Describe a serious confrontation between the elephant cow and the hungry lion, unke beech ka confrontation dikhana hai na, mukabla kind of. Show that the elephant is highly intelligent animal, ki animal jo hai elephant hai wo highly intelligent animal hai, aisa dikhana. Ya underscore the love of an elephant, kul milakar bache yahan par baat hi kiski ki gayi hai, love of elephant, yahan par iski starting ki lines mein hi hame ye baatein क्लियर कर दी गई थी, तो बताओ क्या मुश्किल है, इजी है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ फ्यूरियसली, हमने बताया था फ्यूरियसली का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा। जल्दी से देखेंगे, जल्दी से देखेंगे भाई फटाफट से, एक फ्यूरियसली इसका मीनिंग देखते हैं। स्लाइली, स्लाइली का मतलब होता है कनिंग काइंड ऑफ, ठीक है, तो कनिंग तो नहीं है, तो ये ज्यादा बेटर नहीं है हमारा। कनिंगली भी नहीं, कनिंगली का मतलब बहुत चतुर चालाक है ना। हेक्टिकली भी नहीं, हेक्टिक भी नहीं है, तो फियर्स, फियर्स का मतलब होता है बहुत वाइल्ड, एरोगेंट है ना, कहते हैं ना कि दाल द एंगर ऑफ माय ब्रदर इज वेरी फियर्स, फियर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा वायलेंट और बहुत ज्यादा वाइल्ड, बड़े लेवल का, बहुत ज्यादा गुस्सा, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा, फियर्सली, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, फियर्सली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े फटाफट से। द एलिफेंट इज परहैप्स द मोस्ट, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स द सेम एज, कि जो एलिफेंट है लगभग
परहैप्स द मोस्ट है ना इंटेलिजेंट, कहीं ना कहीं इस तरह से दिखाया है, तो परहैप्स कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी को दिखाता है। जल्दी से देखें आप लोग, जल्दी से देखें फटाफट से क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से देखेंगे। कतई आसान है भाई, तो ऑलमोस्ट नहीं, इंडीड नहीं, श्योरली नहीं, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, पॉसिबली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबली इसका आंसर हो जाएगा। इजी है ना बच्चे, इजी है। अगले को देखते हैं फटाफट से, इसको देखो फटाफट से बताओ, ये जो वर्ड है ये क्या है सेंटेंस में, ये क्या है? अब ये जो द लव ऑफ एन एलिफेंट काउ फॉर हर ऑफस्प्रिंग इज ऑलमोस्ट ह्यूमन। देखो लव यहां पर नाउन हो गया, ऑफ मेरे बच्चे प्रेपोजिशन हो गया, एन एलिफेंट काउ ये एलिफेंट काउ नाउन हो गया, एन इसका मेरे बच्चे आर्टिकल हो गया, फॉर अगेन एक प्रेपोजिशन, हर पजेसिव एडजेक्टिव ऑफस्प्रिंग नाउन हो गया, इज वर्ब हो गया, ह्यूमन नाउन हो गया, ऑलमोस्ट मेरे बच्चों ये अपने आप में क्या हो जाया करता है फिर एडवर्ब, है ना, एडवर्ब ऑफ डिग्री हम लोग बेसिकली बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री इसको बोला जाता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री बोला जाता है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर एडवर्ब इसका आंसर हो जाएगा, एडवर्ब इसका आंसर हो जाएगा। फट अगला देखो फटाफट से, जल्दी से देखेंगे। फॉर बेबीज ब्रेस्ट फीडिंग इज मोर सुपीरियर टू बॉटल फीडिंग। जल्दी से देखेंगे भाई फटाफट से देखेंगे। आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं मेरे बच्चे कुछ वर्ड्स होते हैं, देखो सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एल्डर, प्रेफर। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन शब्दों की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, काफी बार क्वेश्चंस इस तरह का मिल जाया करता है। सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रायर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, इंफीरियर, सुपीरियर, एल्डर या फिर प्रेफर, मेरे बच्चों इन सभी की अगर मैं बात करूं, इन सभी की अगर बात की जाए, तो ये सारे के सारे शब्द ना अपने आप में कंपैरिजन को परफॉर्म किया करते हैं, कंपैरिजन को परफॉर्म करते हैं, तो ये सेकेंड डिग्री की तरह काम करते हैं। तो याद रखना, कभी भी इनके साथ ना तो मोर आ सकता है और ना ही इनके साथ कभी भी मोस्ट का हम लोग यूज करेंगे। अगर किया गया है तो ये गलत है। ठीक है, ही इज मोर सीनियर टू मी, गलत है। मोर सीनियर नहीं, मोर जूनियर नहीं, मोर इंफीरियर नहीं, मोर सुपीरियर नहीं, मोर एल्डर नहीं, मोर प्रेफर नहीं, गलत हो जाएगा। सेकेंड थिंग, इन सभी शब्दों के साथ देन का प्रेपोजिशन यूज ना करके हम लोग टू प्रेपोजिशन का यूज किया करते हैं। ये दो चीजें बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कतई आसान हो गया, इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है अब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सुपीरियर के साथ बच्चों मोर का हम लोग यूज नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ ठीक था, तो मोर यहां पर गलत हो जाएगा, मोर यहां पर गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर दिखाई नहीं दे रहा, बेटे मुझे तो लग रहा है, एक बार स्क्रीन पर मुझे दिखाएंगे शिव,
कि क्या कुछ दिखाई दे रहा है बच्चे, पूरी तरह से विजिबल है, पूरी तरह से क्लियर है बच्चे, कहां नहीं दिखाई दे रहा, कहां कमी रह रही है हमारे लाड प्यार में, बताओ हमारे प्यार में कहां कमी दिख रही है आपको बच्चे? बिल्कुल विजिबल है, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है, ब्राइटनेस कम कर ली है, ब्राइटनेस बच्चे हम लोगों ने कम कर ली है, ठीक है ना, ब्राइटनेस बच्चे हम लोगों ने कम कर ली है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, क्लियर है जी सभी को? चलो भाई फटाफट से देखिए, पहला पैसेज हमारा हो गया, अगले पैसेज की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, अगले पैसेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो एक बार ये भी स्क्रीन पर दिखाएंगे शिव कि भाई बच्चे बार बार कह रहे हैं कि नहीं दिख रहा, मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ ओके है फिर भी नहीं दिख रहा, तो देखो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आपकी बातें सराखों पर है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया मेरे भाई हम लोगों ने। अब तो शिव एक बार आप भी अपनी फोन में चेक करो कि क्या ये विजिबल है या नहीं, है ना, एक बार देख लेते हैं यार बच्चे, अब तो ठीक है, ब्राइटनेस भी हम लोगों ने कम कर लिया, मुझे अभी नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, है ना, अभी तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत परेशानी ऐसा है। अभी तो दिख रहा है शायद, है ना, एक बार बच्चे इससे ज्यादा क्लियर तो क्या ही लोगे, अरे इससे ज्यादा क्लियर क्या ही लोगे बच्चे, एकदम मस्त दिख रहा है, एक एक शब्द मोती की तरह दिख रहा है मेरे बच्चों, मोतियों की तरह चमक रहे हैं शब्द बच्चे, ऐसा ना करो यार, ऐसा ना करो, चले भाई फटाफट से एक बार पढ़ेंगे यहां से लेकर यहां तक, और ये पैसेज दो स्लाइड्स में हमारा, दो स्लाइड्स में है, तो दो स्लाइड्स अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे भाई एक बार फटाफट से, सिंपल है, आसान है, इजी है मेरे बच्चे, मुश्किल मुश्किल दिख रहा है ना स्क्रीन, फिर बच्चे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बच्चे ऐसा क्यों कंप्लेन कर रहे हैं, बिल्कुल विजिबल है पूरी अच्छी तरह मेरे बच्चों, हर तरह से दिखाई दे रहा है, देखो बच्चे अभी भी कह रहे हैं ब्लर दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता बच्चे आप अननेसेसरी कमेंट्स कर रहे हैं शायद, है ना, इन सबको डायलेक्सिया है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चलिए जी कहां से बेटे रौनक, क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं, चलिए भाई फटाफट से पढ़ते हैं भाई, जल्दी से देखते हैं, फटाफट से देखो भाई, बिल्कुल क्लियर है, आप क्लियर दिखाई दे रहा है, दैट्स गुड, दैट्स गुड, अच्छी बात है, चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें भाई पढ़ना इसको, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं शायद अभी दिख रहा है, तो सालुवर्दा थिमक्का वॉज बॉर्न इन गुब्बी तालुक, है ना, तुमकुरु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। अब ये भाई साहब नाम आपको लग रहे होंगे बड़े अजीबोगरीब, क्योंकि साउथ साइड में नाम कुछ ऐसे ही होते हैं, तो कोई इससे कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम है नाम, तो भाई साहब कोई दिक्कत है नहीं है, सच है ना, नाम की तो ऐसा हमें कोई दिक्कत नहीं है, ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, है ना, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब रुकावटें जो होती हैं, शी डिड नॉट गेट एनी एजुकेशन, भाई पैसे की कमी के कारण, ठीक है ना, उनको कोई एजुकेशन नहीं मिल पाई, ठीक है, टू सपोर्ट हर फैमिली शी वर्कड एज अ लेबरर इन अ क्वेरी, क्वेरी का मतलब जहां पर, क्वेरी का मतलब भैया जहां पर भट्टी वगैरह जो होती है ना उस पर, जहां लाइमस्टोन वगैरह पत्थर वगैरह बनते हैं, ईंट वगैरह, काइंड ऑफ, ठीक है, तो वो एक लेबर का काम किया करती थी, लेटर बाद में शी गॉट मैरिड टू अ फेलो कैजुअल लेबरर, है ना, चिखैया फॉर हालिकुल विलेज, कहने का मतलब बाद में उन्होंने शादी कर ली, अपने ही एक जो साथी कर्मचारी मतलब वर्कर थे उनके साथ उन्होंने शादी कर ली, ठीक है, तो बेसिकली सैंड मिट्टी से रिलेटेड कहीं ना कहीं वो काम करते थे, तो उन्होंने शादी कर ली भैया, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण, है ना,
थिमाका could not have children. उनके बच्चे नहीं हुए, उनकी बच्चे नहीं हुए. शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड का मतलब बहुत ज्यादा दुखी. भाई अगर किसी भी दंपत्ति के हस्बैंड वाइफ के बच्चा ना हो तो कहीं ना कहीं एक दुख की बात है, है ना. फादर मदर सब कपल बनना चाहते हैं, तो वो बहुत दुखी थी, वो मां बनना चाहती थी. एंड इवन अटेम्प्टेड सुसाइड. और उन्होंने कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा वो दुखी हो गई थी तो कि बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने सुसाइड तक अटेम्प्ट किया, है ना. हाउ एवर थैंक्स टू हर हस्बैंड्स सपोर्ट शी चेंज्ड हर डिसीजन. ठीक है, उनके जो पति का सपोर्ट इतना अच्छा था, उन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया, उसके कारण से ही उन्होंने अपना जो डिसीजन था अपनी लाइफ खत्म करने का, सुसाइड करने का, उसको चेंज कर दिया. एज अ टाइम पास, जैसे जैसे समय बीता, दे हैड अ ब्यूटिफुल थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज. उनके माइंड में क्या आया कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ को प्लांट करेंगे. ठीक है, देयर वर प्लेंटी ऑफ बनियान ट्री. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो बनियान ट्री कौन सा होता है, कौन सा बनियान ट्री होता है. ट्रीज नियर थिमाकास विलेज. ठीक है, कि उन्होंने आसपास गांव के आसपास उसको प्लांट करने का डिसाइड किया, डिसीजन लिया. बोथ ऑफ देम कलेक्टेड अ फ्यू सैपलिंग्स. अब सैपलिंग्स भी मुझे बताओ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बच्चे. बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद, है ना, बरगद हुआ करता. बहुत ही बढ़िया भाई, सारे बच्चे खतरनाक आतंकवादी क्रांतिकारी बच्चे हमारे, इतने प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही बढ़िया. बस सब कुछ तो समझ में आ रहा है. पीपल नहीं होता बच्चे, पीपल, कुछ बच्चे पीपल भी कह रहे हैं, है ना. पीपल नहीं होता मेरे बच्चे, बरगद हुआ करता है. चलिए, तो उन्होंने आसपास अपने विलेज के बरगद के पेड़ों को प्लांट करने की प्लानिंग करी. बोथ ऑफ देम कलेक्टेड अ फ्यू सैपलिंग. सैपलिंग का मतलब सीड से जो बड़ा, जिसमें थोड़ा बहुत छोटा छोटा सा हल्का सा पेड़ निकल आता ना, बहुत ही स्मॉल प्लांट जिसको बोल सकते हैं. ठीक है, एंड प्लांटेड 10 सैपलिंग्स इन द विलेज नियर बाय. और 10 सैपलिंग, 10 जगह उन्होंने प्लांट किया गांव के पास, नजदीक ही. ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं. चलो भाई, है ना, अब क्लियरली दिखेगा आप लोगों को. द रिजल्ट्स वर एक्सट्रीमली इंप्रेसिव. जो रिजल्ट्स थे उसके, जो उन्होंने सोचा था प्लांट करने का, है ना, वो बहुत ही इंप्रेसिव आए, बहुत ही बढ़िया है. इन वन ईयर दे सॉ 10 बनियान ट्रीज ग्रोइंग अप. क्योंकि उन्होंने 10 बनियान ट्रीज को लगाया था, प्लांट किया था, तो एक साल में उनको कहीं ना कहीं वो बरगद का पेड़ ग्रो होते हुए दिखा. नेक्स्ट ईयर दे प्लांटेड 15 सैपलिंग एंड द ईयर आफ्टर दैट 20. अगले साल उन्होंने 15 किए और उसके बाद अगले साल उन्होंने 20 को प्लांट किया. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दे यूज द लिटिल रिसोर्सेज दैट वर अवेलेबल टू देम. और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो थोड़े बहुत ही रिसोर्सेज यूज करते थे, बहुत ज्यादा नहीं रिसोर्स यूज करते थे. ठीक है, जो उनके पास अवेलेबल थे वही यूज करते थे थोड़े बहुत. एवरी डे दे कैरीड बकेट्स ऑफ वॉटर. हर दिन वो पानी की बाल्टियां, बकेट्स को लेकर जाते थे. एंड ट्रेवल्ड फॉर 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर चलते थे, पैदल ट्रेवल करते थे टू वॉटर एंड बनियान सैपलिंग, है ना. टू वॉटर द बनियान सैपलिंग, कहने का मतलब है बरगद के जो छोटे छोटे पेड़ उन्होंने लगाए थे उनको पानी देने के लिए वो ट्रेवल किया करते थे 4 किलोमीटर प्रतिदिन, डेली, है ना. They were smart enough to realize that sapling planted during the monsoon season would automatically get enough water to grow. अब वो इतने स्मार्ट थे, इतने समझदार थे कि समझते थे that sapling planted during the monsoon season, अगर उन्होंने मानसून सीजन में उसको सैपलिंग को प्लांट किया तो वो ऑटोमेटिकली, मानसून का मतलब आप जानते हैं भाई, बारिश मिलेगी तो वो अपने आप ग्रो हो जाएंगे, पानी मिल जाएगा. To protect the plants from animals, they even fenced the area. फेंस्ड का मतलब मेरे बच्चों चार दीवारी, है ना, उनको भाई एनिमल्स से बचाने के लिए, क्योंकि भाई एनिमल्स तो पेड़ों को उखाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उनसे बचाने के लिए उन्होंने क्या करा, उसके फेंसिंग कर दी, चार दीवारी, बेसिकली बाउंड्री कर दी. दे नर्चर्ड एंड टुक केयर ऑफ दीज प्लांट्स जस्ट लाइक पेरेंट्स. नर्चर्ड का मतलब पालन पोषण किया और उनकी देखभाल करते थे उन प्लांट्स की, जस्ट लाइक पेरेंट, जैसे कि वो उनके माँ बाप हैं, मतलब पेरेंट्स की तरह उनकी वो केयर करा करते थे, है ना. बेसिकली उनको ही उन्होंने अपना बच्चा मान लिया. पेरेंट्स डू फॉर देयर चिल्ड्रन, जैसे कि एक पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करते हैं, सेम उन्हीं तरह से उन्होंने प्लांट्स की केयर की. एज अ रिजल्ट ऑफ देयर पेनस्टेकिंग एफर्ट्स. पेनस्टेकिंग का मतलब जो बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत करी. विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स, दो साल में 384 बिग बनियान ट्रीज, 384
बरगद के जो पेड़ थे वर्सीन वो दिखाई देने लगे, मतलब दिख गए। एडिशनली दे प्लांटेड 8,000 अदर ट्रीज अलोंग विद द बनियान ट्रीज, इसके साथ साथ उन्होंने 8,000 और ट्रीज को भी बनियान ट्रीज के साथ साथ प्लांट करते चले गए। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चे, अपने आप में एक बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट इन्होंने खड़ा कर दिया, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग ही ऐसा करते हैं, और ये एक रियल रियल स्टोरी है, ठीक है ना, रियल स्टोरी है। चलिए जी, चलिए जी, आ जाएंगे। हाँ बच्चे, रिपीट होते हैं पैसेजेस, रिपीट हो सकते हैं मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित जांगीड मेरे बच्चे कह रहा है कि हाउ टू लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश नहीं, हाउ टू लर्न इंग्लिश पहले तो ये बोलो। और मेरे बच्चे, इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रीडिंग स्टार्ट करो और हमारी क्लासेस का एंजॉय करते चलो, निश्चिंत तौर पर आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, निश्चिंत तौर पर, ठीक है। चलिए जी, समझ में आया पैसे, जल्दी से मुझे यस और नो करके बता दो, सो दैट कि इनके क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे बच्चों। जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास इस लिमिटेड टाइम में हो पाएंगे उतने हम लोग करेंगे, यस और नो मेरे बच्चों फटाफट से बताते रहें, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू शैलेंद्र, बहुत ही बढ़िया, दैट्स गुड, अरे वाह बहुत ही बढ़िया, चलिए जी आ जाएंगे, दैट्स गुड। यही एनर्जी, यही कॉन्फिडेंस मेरे बच्चों हमें चाहिए, यही एग्जाम क्रैक कराएगा बस, और कोई अलग से चीजें नहीं करनी, रॉकेट नहीं उड़ाना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस और चीजों को अच्छे से समझना, यही आपका एग्जाम क्रैक कराएगा। चलिए जी फटाफट से देखते हैं। तिमक्का डेडिकेटेड हर लाइफ टू प्लांटिंग ट्रीज बिकॉज, जल्दी से देखेंगे, शी हैड ग्रेट एनवायरमेंटल कंसर्न, उसका बहुत एनवायरमेंटल कंसर्न था, हर विलेज हैड नो ग्रीनरी, उसके विलेज में कोई ग्रीनरी नहीं थी, शी कुड नॉट हैव चिल्ड्रन, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, She had great love for trees. जल्दी से देखें भाई फटाफट से कि क्या कुछ होना चाहिए, जल्दी से देखेंगे, फटाफट से देख लेंगे, तो आंसर आपके सामने है, क्योंकि भाई उनके बच्चे नहीं हो रहे थे इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो प्लांट्स को प्लांट करते हैं ना, तो हमारा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आंसर इज थर्ड, इजी है, इजी है ना बच्चे, इजी हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर चले, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान हुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, आप क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर करेंगे मेरे बच्चों, यही आप लोगों से आग्रह है कि जैसे अगर हमने 9th क्वेश्चन करा ना, अब आप आंसर दे दोगे सी, ठीक है, हो सकता है 10th का भी सी हो सकता है 11th का बी हो, तो पता ही नहीं चलेगा आप लोगों ने किसका आंसर दिया, तो कोशिश ये करें कि अपना क्वेश्चन नंबर लिखें और उसके साथ मेरे बच्चों उसका ऑप्शन लिखें, ठीक है। चलिए जी, तिमक्का डिसाइडेड टू प्लांट बनियान ट्रीज इन द विलेज नियर बाय बिकॉज, है ना, फटाफट से देखेंगे, जल्दी से फटाफट से बताओ, फटाफट से देखेंगे जी, जल्दी से, तो यहां पर आपने देखा था क्लियरली लिखा है, देयर वर प्लेंटी ऑफ बनियान ट्रीज नियर तिमक्का'स विलेज, काफी सारे बनियान ट्रीज थे, तो इसीलिए उन्होंने यही प्लांट करने की सोची, तो कतई आसान हो गया जी, ये गलत, देयर वर प्लेंटी ऑफ बनियान ट्रीज, इसीलिए उन्होंने प्लांट करने की सोची, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया 10, क्योंकि वहां उनके लिए क्या था, सैपलिंग्स को लाना आसान था, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा कर लिया। क्वेश्चन नंबर लिखकर बच्चे अपना आंसर करेंगे, यही चाहिए, क्वेश्चन नंबर लिखे, अभी भी देख रहा हूं कुछ क्रांतिकारी बच्चे क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे, क्वेश्चन नंबर लिखो भाई। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के हिसाब से क्या सही नहीं है। एवरीडे तिमक्का एंड हर हस्बैंड वर्क फॉर कू, ये तो बिल्कुल सही है, देख took care of the plants as they were their own children, अपने बच्चों की तरह, ये भी था, ठीक है। They received generous material support from the local authority, भाई साहब local authority से उनको कुछ नहीं मिला था। They earned a reputation of having planted इतने, उन्होंने 384 पेड़ उगा भी दिए थे, ये भी, ये तीनों तो सही हैं, ये हमारा गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अगेन 11th का भी सी हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है भाई, लोकल अथॉरिटी से थोड़ी इनको कोई सपोर्ट मिला था, कोई हेल्प मिली थी। आगे बढ़ते हैं,
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, है ना, इनमें से करेक्ट ऑप्शन को हमें देखना है. आफ्टर द इनिशियल एंथुजियाज्म, शुरुआती जोश में, थिमाकाज हस्बैंड लॉस्ट इंटरेस्ट इन ट्री प्लांटेशन, ऐसा तो नहीं है, ये बात तो गलत है. थिमाका रिसीव्ड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम नेबर्स टू कंटिन्यू गुड वर्क, ये बात भी कहीं ना कहीं गलत है. तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत है, है ना. ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, नहीं जी ये भी गलत. ए ट्रू थोड़ी, ए फॉल्स है. ए इज फॉल्स बी इज ट्रू, जी नहीं. बोथ ए एंड बी आर ट्रू, जी नहीं. बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, हाँ दोनों के दोनों गलत है. इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर, क्योंकि भाई ना तो उसका इंटरेस्ट कम हुआ और ना ही कोई ऐसी उनको सपोर्ट मिला नेबर्स से, पड़ोसियों से. तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, द आंसर वुड बी, द आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी आर फॉल्स. बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, दोनों के दोनों क्या है भैया, फॉल्स है. ठीक है, अगले पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड कॉन्स्ट्रेंट, ये पैसेज में हम लोगों ने पढ़ा था, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, है ना. प्रॉब्लम, चैलेंजेस, है ना, प्रिवेशन और रेस्ट्रिक्शन. रेस्ट्रिक्शन रुकावटें, है ना, कमियां किसी चीज की. तो प्रॉब्लम नहीं, चैलेंजेस नहीं, आंसर आपका रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा. बाधाएं जो होती हैं, फाइनेंशियल बाधाएं जो थी ना, उनकी बात की जा रही थी. ये तो कतई आसान है, बताओ क्या मुश्किल है. इतने इजी इजी चीजें अगर आती हैं तो हाउ कैन स्टूडेंट से कि सर मुश्किल आता है पेपर. ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से स्कोर करके आओगे, चक दे फटे, नप दे गिल्ली हो जाएगा, मौज ही आ जाएगी पेपर देखोगे तो. ठीक है, चलो. Which of the following word is most opposite in meaning? अब opposite, opposite को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो similar को क्या बोलते हैं, synonym. ठीक है, synonym का मतलब similar, same meaning. ठीक है, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द. antonym का मतलब होता है मेरे बच्चों विलोम शब्द, है ना, उल्टे, opposite. चलिए जी, कैजुअल, कैजुअल का हमें ऑपोजिट बताना है बच्चे. कैजुअल का हमें क्या बताना है बच्चों, ऑपोजिट बताना है. ठीक है, तो देखेंगे जी, ऑब्सिनेट, डिस्पैशनेट, परमानेंट, है ना, और चौथा है रिकैल्सिट्रेंट. जल्दी से देखो भाई, फटाफट से. कैजुअल का मतलब होता है ना, कैजुअल सी स्माइल थी, कैजुअल बिहेवियर था, अजीब सा, या फिर हम लोग कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए. तो जिद्दी का कोई सेंस नहीं बनता, है ना. कैजुअल का मतलब था ही. तो यहां पर इसका गिवन ऑप्शंस में जो ऑप्शन हमारा बेस्ट है, दैट इज परमानेंट, और ये ऑप्शन सबसे बेस्ट हमारा हुआ, तो परमानेंट यहां पर हो जाएगा. तो आंसर इज सी, द आंसर इज सी. आगे बढ़ते हैं. विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एरर, इनमें से कौन से पार्ट में मेरे बच्चों एरर है. ही आस्क्ड मी दैट व्हाई आई हैड नॉट गॉन टू द पार्टी थ्रोन बाय रूनी, कि भाई उसने मुझसे पूछा कि मैं पार्टी में क्यों नहीं गया. अब देखिए एक चीज बच्चों, एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक स्टेटमेंट ही लिख लेता हूं. जैसे मैंने कहा, राहुल said to me, इससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, why are you making a noise. ये मेरे बच्चों अपने आप में एक डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है. अब आपको डायरेक्ट स्पीच को किसमें कन्वर्ट करना होता है आप अच्छे से जानते हैं, इनडायरेक्ट. मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं. ठीक है, तो राहुल सेड टू मी व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज. तो इसका जो पैसिव वॉइस बने, ओ सॉरी कह रहा हूं, इनडायरेक्ट स्पीच जो बनेगा ना वो क्या बन जाएगा, देखो राहुल सेड टू को हम लोग आस्क्ड में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है मी. अब ये इंपॉर्टेंट है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर मेरे बच्चों, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लोगों को क्या करना होता है, अरे बोल दो जनाब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें क्या करना होता है, हमें एक कनेक्टर का रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, और याद रखें जब भी कभी WH फैमिली से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो WH फैमिली एज अ कनेक्टर का काम खुद करेगा. अब दैट का हम लोग यूज नहीं करते, तो यहां पर हम लोग दैट लगा देंगे,
तो गलत हो जाएगा। हमें सीधा क्या लगाना है, वाई। तो इस दैट की हमें एस सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। कब? जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो और डब्ल्यू एच फैमिली से हो, तो वही डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, वाई ये इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, आई वॉज मेकिंग अ नॉइज, ये सब हो गया। तो हमने देखा दैट और वाई एक साथ नहीं आना चाहिए, तो भैया यहां पर भी वही गलती कर दी गई। ये भी सेंटेंस डायरेक्ट से नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच का है, तो ही आस्क्ड मी दैट वाई नहीं, ही आस्क्ड मी वाई आई हैड नॉट, सीधा ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहां पर दैट और वाई को एक साथ ना रखकर ये गलत हो गया, तो बी पार्ट में हमारी गलती हो गई। ठीक है, बी पार्ट में मेरे बच्चे हमारी गलती हो गई। ठीक है, समझ पा रहे? चलिए जी, इजी है, क्लियर हो गया मेरे बच्चों की रीजन क्या था, रीजन क्या था मेरे बच्चों की यहां पर दैट और वाई एक साथ नहीं आ सकते, वो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, ओ थर्ड आ गया भैया, थर्ड पैसेज आ गया। अब ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, एक सेकंड देंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं एक दूसरी फाइल लगा लूं फटाफट से, अगर आपको प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे बताएंगे, फटाफट से बता देंगे। अभी तो वो फाइल आई नहीं, चलो खैर एक ही पैसेज है ना, हाँ थोड़ा सा छोटा तो है ये, चलो कोशिश करो भाई, अब तो आएगी समझ में, अब तो आ रहा है समझ में, एक बार देखना फोन में ये वाला दिख रहा है पैसेज भाई, अब तो थोड़ा सा तो बड़ा कर लिया भाई हम लोगों ने इसको, फटाफट से देखेंगे जी। विजिबल है, विजिबल है, विजिबल है, विजिबल है, विजिबल है सच, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इतना प्यारा लग रहा, मन कर रहा गले लगा लूं इस पैसेज को, इतना प्यारा दिख रहा है मुझे, तो दिख रहा है बच्चे विजिबल है, इसमें सच कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, विजिबल है बच्चे पूरी तरह से, देखेंगे एक बार पढ़े फटाफट से, बहुत ही स्पीडली पढ़ेंगे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना है, मैं टाइमर लगा देता हूं, अरे ये क्यों, एक मिनट का टाइमर आपका लगा दिया है भाई, फटाफट से पढ़ा, जल्दी से कर दो फटाफट से जी। चलो जी, रेड कलर मस्त लग रहा है, दिख रहा है बच्चे, कॉपी नहीं करना भाई, नोट थोड़ी करोगे, आपको अपलोड करा दी जाएगी ये फाइल पूरी की पूरी आपको अपलोड करा दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, पढ़े एक बार मैं थोड़ा स्क्रीन से हट रहा हूं, जल्दी से पढ़े। ये वाला थोड़ा मुश्किल लग रहा है सर, अरे मुश्किल कुछ नहीं होता, चलो देखेंगे, मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा, एक मिनट हो गया भाई आपका, एक मिनट हो गया, जल्दी से सर, जल्दी से
चलिए जी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चे। सेड इंडीड इज द लॉट ऑफ लोन पायनियर। लोन का मतलब बच्चे अलोन है। अरे भाई, लोन का मतलब मेरे बच्चों अलोन से होता है। किससे होता है? लोन मींस अलोन। पायनियर, पायनियर का मतलब जो अपने किसी काम में शिखर पर पहुंच जाए, है ना। स्विम्स अगेंस्ट द करंट ऑफ एपेथी, इग्नोरेंस एंड हॉस्टिलिटी ऑफ हिज टाइम्स। कहने का मतलब है बुरा है क्योंकि काफी सारे जो पायनियर हैं वो अकेले हैं, जो कहीं ना कहीं तैरते अगेंस्ट द करंट ऑफ एपेथी, है ना। एपेथी जानते हैं आप लोग, है ना। इग्नोरेंस जानते हैं आप लोग, और हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब कहीं ना कहीं दुश्मनों जैसा व्यवहार होता है। ऑफिस टाइम मतलब अपने समय में कहीं ना कहीं वो इग्नोरेंस को भी झेलते हैं, हॉस्टिलिटी को भी झेलते हैं, एपेथी को भी झेलते हैं, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं काफी सैड है। द फैक्ट दैट पोस्टेरिटी, दैट पोस्टेरिटी ऑफन अंडरस्टैंड, है ना। पोस्टेरिटी का मतलब होता है पोस्ट से, आप जान गए हो। पोस्ट का मतलब होता है आगे, जैसे पोस्ट पेड, है ना। ऑफन अंडरस्टैंड हिम बेटर एंड ऑनर हिम इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो क्या कहता है? द फैक्ट दैट फ्यूचर जनरेशन ऑफन अंडरस्टैंड, आगे आने वाली जनरेशन है जो मुश्किल से ही समझती है क्या, बेटर एंड ऑनर हिम इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस ड्यूरिंग हिज लाइफ। अपनी लाइफ टाइम में वो चीजों को समझ ही नहीं पाते, आने वाली जनरेशन की बात की गई है। कहने का मतलब है जो लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं उनके दुख दर्द को दिखाया गया भैया। सोक्रेट्स पेड द अल्टीमेट प्राइस फॉर हिज कन्विक्शंस। सोक्रेट ने ना अपना कीमत चुकाई है किस चीज की? अल्टीमेट प्राइस ऑफ कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब जो उनके थॉट प्रोसेस हैं, डिसीजंस हैं, है ना। बट उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, उनको कोई मतलब ज्यादा वो नहीं मिला। बट इज टुडे रैंक्ड अमंग ऑल टाइम ग्रेट थिंकर्स। बट आज की डेट में, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन बाद में समझ पाती है, तो आज की डेट में वो बहुत बड़े क्या है, ग्रेट थिंकर्स में से उनको गिना जाता है, ठीक है। इवन इन अ टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक साइंस, टेक्निकल सब्जेक्ट जैसा है जैसा साइंस, वन कैन नॉट फॉरगेट द ऑर्डियल दैट गैलीलियो वेंट थ्रू। और ऑर्डियल का मतलब होता है जो मेहनत उन्होंने की है, पेन जो लिया है अपनी लाइफ में, उनको नहीं भूल सकता कोई। गैलीलियो के दुख मतलब जो उन्होंने हार्ड वर्क किया है उसको कोई भूल नहीं सकता। हिज प्रीडिसेसर, उनसे जो पहले आए निकोलस कॉपरनिकस, वाज स्मार्टर। जो कॉपरनिकस थे वो स्मार्टर थे थोड़े से, फॉर नॉट रिवीलिंग His theory of the solar system until he was on his deathbed. Nicholas Copernicus को यहां पर थोड़ा सा स्मार्ट बताया गया क्योंकि उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी जब तक वो अपनी मृत्यु के नजदीक तक नहीं पहुंच गए थे उन्होंने रिवील ही नहीं करी, है ना, रिवील ही नहीं करा। Somewhat better, but still bitter. हालांकि ये बेटर चीज थी बट फिर भी बिटर है, कड़वा है, was the fate of Charles बेबेज। कुछ बेटर इनसे था बट चार्ल्स बेबेज का जो बेटर था बट कड़वा था कि उनका जो फेट था, उनकी किस्मत ने उनको कहां पहुंचाया। द 19th सेंचुरी इंग्लिश मैथमेटिशियन, 19वीं शताब्दी के इंग्लिश मैथमेटिशियन, हु विद अमेजिंग इनसाइट थॉट अप ऑल द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर एंड लेबर्ड प्रोडिगसली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम टू टर्न देम इनटू रियलिटी। कहने का मतलब है चार्ल्स बेबेज, जिनको भैया कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है, उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत सारे एसेंशियल फीचर्स मॉडर्न कंप्यूटर में डाले और बहुत मेहनत किया, बहुत पैसा भी खर्च किया प्रोडिगल तरह से ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम टू टर्न देम इनटू रियलिटी, की सारी चीजों को जो जो सोच रहे हैं, जो उनके थॉट्स हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। सैडली ऑल हिज एफर्ट्स केम टू अ नॉट इन प्रैक्टिस। दुख की बात है, दुख की बात है, उनके जो सारे के सारे एफर्ट्स हैं केम टू अ नॉट। नॉट का मतलब होता है नथिंग, बेकार हो जाना। इन प्रैक्टिस मतलब सारे के सारे जो थॉट्स हैं वो प्रैक्टिस में नहीं आ पाए। एंड ओनली ड्यू डेरिजन फ्रॉम हिज कंटेम्पररीज, ठीक है। ओनली ड्यू डेरिजन का मतलब है उनका उपहास हुआ, उनकी हंसी उड़ाई गई, लोग उन पर, जो उनके समकालीन लोग थे उन पर हंसे। हिज नेम वेन इन टू ऑब्लिवियन, है ना, टिल द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अब उनका जो नाम था ना वो लोग लगभग भूल ही गए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है,
ऑब्लिवन मतलब फॉरगेट कर गए, टिल द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जब तक नए नए कंप्यूटर नहीं बन गए तब तक उनका नाम सब लोग भूल गए, मेड साइंटिस्ट रियलाइज हाउ प्रेसिडेंट बेबेज हैड बीन, ठीक है ना, कि जब तक नए कंप्यूटर नहीं बने ना तब तक उनका सब नाम भूल गए थे, बट बाद में उनको समझ में आया कि कितने ज्यादा नॉलेज थी बेबेज के अंदर, इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? It has been the dream of mankind to make machines do the labor. ये इंसानों का ड्रीम है ना, सपना है कि मशीन्स बनाई जाए और उनसे ही मेहनत कराई जाए. Uninteresting but necessary mathematical calculation involved in commerce. और uninteresting but necessary जो mathematical calculations है involved कहां पर होती हैं? Commerce में, finance में, census में, इन सब चीजों के लिए क्या कहीं ना कहीं चीजें बना दी जाए, मशीन बना दी जाए. The earliest such device was the abacus. इस तरह का एक डिवाइस था एबेकस, आप लोग जानते होंगे स्कूल में आप टीचर्स टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो एबेकस एक अपार्टमेंट एपरेटस होता है जिसे चीजों को गिना जाता है ना, बहुत अच्छे से जानते होंगे. इन्वेंटेड 2500 years ago, 2500 साल पहले उसको इन्वेंट किया गया था. एंड विच इज स्टिल वाइडली इन यूज इन फार ईस्ट, जो कि अभी भी फार ईस्ट में बहुत अच्छे से अभी भी यूज किया जाता है. द इन्वेंशन ऑफ द लॉगरिथम एंड द स्लाइड रूल वॉज द नेक्स्ट मेजर स्टेप सेवरल सेंचुरीज लेटर. अब भाई लॉगरिथम का और स्लाइड रूल का जो इन्वेंशन किया गया नेक्स्ट मेजर स्टेप था सेवरल सेंचुरीज लेटर, काफी शताब्दियों के बाद. इन द 17th सेंचुरी बेल्स पास्कल एंड लेबनिट्स डेवलप्ड द फर्स्ट मैकेनिकल एडिक मशीन, है ना, पास्कल साहब ने और लेबनिट्स ने क्या कहा था, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन को जनरेट किया यूजिंग गियर व्हील्स, गियर व्हील्स को यूज करते हुए. Then Charles Babbage came on the scene. और इसी के बाद कहीं ना कहीं Charles Babbage उस सीन में आए, इन्वॉल्व हुए. तो ये एक पैसेज था, थोड़ा सा कह सकते हैं पिछले पैसेज से थोड़ा सा टिपिकल है, बट ऐसा नहीं है कि समझ ही नहीं आया हो, है ना. तो चलिए जी फर्स्ट अपना देखते हैं फटाफट से, जल्दी से देखेंगे भाई. पहला अपना क्वेश्चन 16th, हमारा 16th क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, 16th क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फटाफट से देख लो. द पैसेज इज अबाउट अ मैन, ठीक है, किस तरह के इंसान के बारे में ये पैसेज भैया है, किस तरह के इंसान के बारे में ये पैसेज भैया है, फटाफट से देख लो, बताओ जल्दी से. 16th का अपना आंसर देंगे आप लोग, किस तरह के लोगों के बारे में, हु ब्लेज अ ट्रेल इन एनी फील्ड, जो किसी भी चीजों में कामयाबी हासिल करता है, हु गेन्स रिकॉग्निशन इन हिज लाइफ, हु फेसेस नो ऑर्डियल्स, है ना, हु स्विम्स विद द करंट, जो करंट के साथ स्विम करता है, जल्दी से बताए फटाफट से. A is true and B is false. A सही है, B गलत है. B is true and A is false. ठीक है. Both B and D are true. B and D are true. और both A and C are false. तो भैया ये तो नहीं होगा. ये भी नहीं, ये भी नहीं. तो हम कह सकते हैं B is true. ये सही है और ये गलत है. ठीक है. तो 16 का ये किस तरह के इंसान के बाद जो अपनी recognition gain करता है life में, lifetime में. रिकॉग्नाइज, इन्हीं को तो रिकॉग्नाइज किया इतने सारे लोगों को. चलिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया क्या है भैया पैसेज का भाई. द मैन ऑफ जीनियस आर थॉट वेरी हाईली बाय देयर कंटेम्प्रेरीज, कि भाई उनके कंटेम्प्रेरीज के थ्रू बहुत जीनियस माना जाता है उनको, नहीं, दैट आर कंटेम्प्रेरीज आर जेलस ऑफ देम, की कंटेम्प्रेरी जलते हैं इस बारे में है. दैट दे हैव टू स्ट्रगल अलॉट, कि भाई उनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है. दैट दे डाई अ हैप्पी डेथ, ऐसा नहीं है. बेसिकली कोई भी इंसान जब सफल होता है ना, ये दिखाया गया उनके हार्ड वर्क को, कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितनी ज्यादा मेहनत की होगी, तब जाकर वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं. तो भैया सिंपल सी बात है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. चलिए जी अगले पर आते हैं फटाफट से. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, है ना. पायनियर्स इन एनी फील्ड आर डिफीटेड बाय देयर सोसाइटी, भाई सोसाइटी के द्वारा हरा दिए जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, ये गलत है कहीं ना कहीं. दे आर लुक्ड एट विद डिसफेवर, फेवर नहीं किया जाता, लोग उनको उस समय नहीं मानते, ये ठीक है. यहां पर दे आर पेट्रोनाइज्ड बाय द स्टेट, बिल्कुल सही है. दे हैव टू कोप अप द हॉस्टिलिटी ऑफ देयर टाइम्स, उनकी मतलब हॉस्टिलिटी को सहना पड़ता है. तो बेसिकली
डिफीटेड बाय देयर सोसाइटी ये नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, कि भाई सोसाइटी थोड़ी उनको हराती है, डिफीट करती है, तो 18 का मेरे बच्चे क्या हो जाएगा आंसर? ए। आगे बढ़ते हैं। गैलीलियोज टेल वॉज गैलीलियो की जो टेल थी सिमिलर टू कॉपरनिकस, कॉपरनिकस से सिमिलर थी, वर्स थी उससे, बेटर थी कॉपरनिकस से, बेटर देन दैट ऑफ सोक्रेट्स। भाई कॉपरनिकस से तो कोई बात कही नहीं गई थी, उससे रिलेटेड नहीं की गई थी, तो यही ऑप्शन बचता है हमारे पास, तो बेटर देन ऑफ दैट ऑफ सोक्रेट्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि गैलीलियो का कॉपरनिकस से एज सच कोई सिचुएशन नहीं दिखाई गई थी, सोक्रेट से बात की थी, पहले सोक्रेट को दिखाया फिर गैलीलियो की बात की, है ना, तो उससे बेटर था कहीं ना कहीं। द वर्ड एपैथी यूज इन द पैसेज मीन, है ना, अब इसको देखो फटाफट से, इसका क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज द वर्ड एपैथी यूज्ड इन द पैसेज मीन, जल्दी से बता देंगे, पैसेज में जो एपैथी यूज किया गया है उसका क्या मीनिंग है? वायलेंस, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, क्रिटिसिज्म या इनडिफरेंस। वायलेंस की बात तो होती नहीं है एपैथी में, इग्नोरेंस की बात नहीं, क्रिटिसिज्म की बात नहीं, इनडिफरेंस यहां पर आपका आंसर जो बेस्ट है इसमें हो सकता है। वायलेंस का मतलब हिंसा होता है, इग्नोरेंस का मतलब इग्नोर कर देना किसी चीज, क्रिटिसिज्म का मतलब उसकी बुराई करना, इनडिफरेंस, ठीक है, इनडिफरेंस यहां पर ऑप्शन सही है, इनडिफरेंस इज द करेक्ट ऑप्शन, इज इनडिफरेंस। अगले पर आते, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑपोजिट हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का ऑपोजिट क्या होता है? हॉस्टाइल से बना है वर्ड, है ना, हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, तो हॉस्टिलिटी का मतलब एनकरेजमेंट, इसका ऑपोजिट देखना है ना, अच्छा ऑपोजिट देखना है, ठीक है, ऑपोजिट एनकरेजमेंट तो नहीं है, एग्रीमेंट भी नहीं है, कॉपरेशन भी नहीं है, फ्रेंड वो दुश्मन, ये दोस्त दुश्मन का ऑपोजिट दोस्त हो जाएगा, इजी है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल से ही बना है हॉस्टिलिटी, हॉस्टाइल से ही मेरे बच्चों हॉस्टिलिटी बना है। चलिए जी अगले पर आते हैं फटाफट से, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, जल्दी से बता देंगे, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम दैट व्हाई ही इज सो नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज, भैया अभी सीख कर आए थे, है ना, इंक्वायर्ड ऑफ हिम, आस्क्ड हिम, ऐसा होता तो भैया दैट और वाई एक साथ नहीं आ सकते, फिर वही वैसा ही एरर, तो यहां पर दैट का यूज नहीं करेंगे, कतई आसान है, अभी हम लोग सीख कर आए इसको। अगले पर आते, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड, है ना, ये मैनी, ये गलत अंडरलाइन हो गया, मैनी, है ना, ये जो मैनी है ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रोनाउन है, कंजक्शन है, कंजक्शन तो है नहीं भैया, जोड़ नहीं रहा, नाउन के बिहाफ पर यूज हुआ नहीं, वर्ब ये है नहीं, तो ये एडजेक्टिव है, हालांकि मैनी की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डेटरमिनर, और डेटरमिनर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, तो ये ब्रॉडली हम लोग इस मैनी को एडजेक्टिव कंसिडर करेंगे, एडजेक्टिव कंसिडर करेंगे, तो बच्चे मैनी हो गया, मच हो गया, सम हो गया, लिटल हो गया, फ्यू हो गया, है ना, इस तरह के तमाम शब्द बच्चे हम लोगों ने अपने बैच में भी पढ़े हैं, ये इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटरमिनर, और डेटरमिनर एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला जो पैसेज है, फिर एक और पैसेज आ गया हमारा, चलो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ये, चलिए जी फटाफट से देखेंगे जी, जल्दी से पढ़ेंगे इसको, एक मिनट का समय फिर आपके पास है बच्चे, एक मिनट का समय फिर आपके पास है, मैं आपको एक मिनट का समय देता हूं, इसको जल्दी से पढ़ेंगे आप, एक मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से फटाफट से पढ़ लो जी, जल्दी से फटाफट से पढ़ लेंगे, एक मिनट का समय है भाई, हेल्थ केयर के ऊपर है शायद, देखो हेल्थ केयर से लगभग थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि हेल्थ केयर से या किस कहां से रिलेटेड है, जल्दी से देख लेंगे फटाफट, मैं साइड से साइड ही हट जाता हूं, टू वन टाइम माइंड, ठीक है स्टार्ट करते हैं इसको, ये थोड़ा सा बड़ा पैसेज है, इसमें अगली भी स्लाइड है, हेल्थ केयर इज द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल बट लैक ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, हेल्थ केयर जो है वो सभी का राइट है, बट लैक ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के
कमी के कारण डर्थ ऑफ क्वालिफाइड, डर्थ का मतलब भी क्या होता है कमी, है ना, डर्थ का मतलब भी क्या होता है बच्चे कमी ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल फंक्शनरीज, है ना, कि कमी भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्वालिफाइड मेडिकल फंक्शनरीज की कमी है जो फंक्शन करते हैं, एंड नॉन एक्सेस टू बेसिक मेडिसिन, और मेडिसिन का जो बेसिक मेडिसिन है उनका भी एक्सेस नहीं है, एंड मेडिकल फैसिलिटीज, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो उसकी भी बहुत ज्यादा कमी है. थ्वार्ट्स इट्स रीच टू 60% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. थ्वार्ट्स का मतलब होता है उसको कॉन्स्ट्रेंट करना, प्रीवेंट कर देना, बेसिकली रोक देना. तो 60% पॉपुलेशन ही कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फैसिलिटी जो ले पा रही है. अ मेजोरिटी ऑफ 700 मिलियन पीपल लिव इन रूरल एरियाज. 700 मिलियन जो पीपल है भारत के वो रूरल एरिया, गरीब नहीं, मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, रूरल एरियाज से करते हैं, वेयर दी कंडीशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज इज डेप्लोरेबल, और ज्यादा बेकार है, और ज्यादा दयनीय स्थिति है. कंसिडरिंग द पिक्चर ऑफ ग्रिम फैक्ट, है ना, देयर इज अ डायर नीड ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर. भाई ग्रिम फैक्ट जो मेन फैक्ट है उनको देखें तो देयर इज अ डायर, बहुत ज्यादा नीड है किसकी, न्यू प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर टू एंश्योर दैट क्वालिटी एंड टाइमली हेल्थ केयर रीचेज द डिप्राइव्ड कॉर्नर ऑफ द इंडियन विलेज. कि भाई न्यू प्रैक्टिसेस और जो प्रोसेस है वो किसी ना किसी तरह से इंडियन जो गांव में है किसी ना किसी तरह से पहुंचे, जो डिप्राइव्ड है, जो उनकी फैसिलिटीज को नहीं उठा पा रहे उन तक वो चीजें पहुंचे. दो अ लॉट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर बींग रन बाय द गवर्नमेंट बट द सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दीज प्रोग्राम्स इज क्वेश्चनेबल ड्यू टू गैप इन द इंप्लीमेंटेशन. हालांकि काफी सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं बट इनका सक्सेस और इफेक्टिवनेस जो है ना ऑफ दिस प्रोग्राम, इन पर एक सवालिया निशान है ड्यू टू गैप्स इन द इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे, जो भी पॉलिसीज और प्रोग्राम सरकार लेकर आ रही है वो इंप्लीमेंट नहीं, लागू नहीं हो पा रहे हैं. इन रूरल इंडिया, गांव वाला जो भारतीय ग्रामीण भारत है, वेयर द नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स PHCS प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इज लिमिटेड, जहां पर गांव की बात करें तो बहुत लिमिटेड है. 8% ऑफ द सेंटर्स डू नॉट हैव डॉक्टर्स, 8% जो सेंटर्स हैं उनके पास तो डॉक्टर ही नहीं है और मेडिकल स्टाफ नहीं है. 39 डू नॉट हैव लैब टेक्नीशियंस, 39 मतलब लगभग 40% के पास टेक्नीशियन नहीं है, 18% के पास हैव फार्मासिस्ट नहीं है. तो कहने का मतलब कंडीशन देख लो कितनी ज्यादा बुरी है, गांव की हालत है ये. इंडियन ऑल्सो अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैटरनिटी डेथ, कहने मैटरनिटी का आप मतलब जानते होंगे जो प्रेगनेंसी वाली कंडीशन होती है, सबसे ज्यादा डेथ प्रेगनेंसी के दौरान भारत में होती है सबसे ज्यादा. अ मेजोरिटी ऑफ दीज आर इन रूरल एरियाज, और सबसे ज्यादा जो मौतों का आंकड़ा है वो गांव में होता है. वेयर एटर्नल केयर एंड डू नॉट एक्सटेंड टू मोर क्रिटिकल सर्विसेज लाइक लेबर एंड डिलीवरी, जहां पर फैसिलिटी ही नहीं है, क्रिटिकल सर्विसेज हो जाए, हालत किसी गड़बड़ हो जाए लेबर पेन में या डिलीवरी करते समय, वेयर प्रॉपर मेडिकल केयर कैन सेव लाइफ इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जहां पर मेडिकल से बचाई जा सकती है लाइफ को, वो है ही नहीं. तो गांव में ये स्थिति और ज्यादा बदतर है, और ज्यादा बदतर है बच्चे. आगे बढ़ते ड्यू टू नॉन एसेसिबिलिटी टू पब्लिक हेल्थ केयर एंड लो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज. भाई पब्लिक हेल्थ केयर एक्सेस ही नहीं कर पा रहे लोग, या फिर उनका लो क्वालिटी है हेल्थ केयर का. अ मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया टर्न टू लोकल प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, है ना, तो कहां पर लोकल प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एज देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ केयर. कि भाई लोकल प्राइवेट हेल्थ केयर की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि उनका पहला चॉइस वही है, क्योंकि वहां उनको फैसिलिटी मिल जाती है. इफ वी लुक एट द हेल्थ लैंडस्केप ऑफ इंडिया, अगर हम भारत के हेल्थ लैंडस्केप को देखें, 92% ऑफ हेल्थ केयर विजिट्स आर टू प्राइवेट प्रोवाइडर्स, है ना, तो जो 92 है वो हेल्थ केयर विजिट्स जो होती है वो प्राइवेट प्रोवाइडर्स की तरफ है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं लोग. ऑफ विच 70% इज अर्बन, और उसमें भी 70% जो है वो शहरी लोग हैं जो प्राइवेट की तरफ मूव करते हैं. हाउएवर प्राइवेट हेल्थ केयर इज एक्सपेंसिव, हालांकि वो थोड़ा महंगा है, ऑफन अनरेगुलेटेड एंड वेरिएबल इन क्वालिटी, हालांकि रेगुलेटेड भी सही तरह से नहीं है और उनकी क्वालिटी में भी इतना वेरिएशन है, बट फिर भी लोग वहां जाते हैं. बिसाइड्स बींग अनरिलायबल फॉर द इलिटरेट, इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव फॉर लो इनकम रूरल फॉक्स. अब जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, ना, जिनकी आमदनी कम है.
तो टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस एंड रिड्यूस द ग्रोइंग रेट्स ऑफ मोर्टेलिटी, अब भाई बीमारी ना फैले उसको कम करना, रिड्यूस द ग्रोइंग रेट ऑफ मोर्टेलिटी मृत्यु दर को कम करना ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटी, जो एडिक्वेट लैक ऑफ एडिक्वेट मतलब हेल्थ फैसिलिटीज की कमी के कारण जो मौतों का आंकड़ा है उसको रोकना, स्पेशल अटेंशन नीड टू बी गिवन, प्रॉपर एक अटेंशन देनी चाहिए है ना टू हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में भी हेल्थ केयर पर प्रॉपर अटेंशन देनी होगी। द की चैलेंज इन द हेल्थ केयर सेक्टर आर लो क्वालिटी ऑफ केयर, भाई मेन जो चैलेंज है ना हेल्थ केयर सेक्टर में वो क्या है, क्वालिटी ऑफ केयर कि भाई क्वालिटी नहीं की जाती, पुअर अकाउंटेबिलिटी कि भाई उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं किसी की, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं है इतनी है ना, एंड लिमिटेड एसेस टू फैसिलिटी, फैसिलिटी को एक्सेस ही नहीं कर पाते। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन आर कमिंग टुगेदर फॉर इंप्रूवमेंट्स इन हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज में आगे बढ़कर आ रही है ठीक है, और टेक्नोलॉजी इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि इन सभी चीजों को इंप्लीमेंट करना है। तो फटाफट से बताएंगे ये पैसे समझ में आया, यहां पर दुर्दशा दिखाई गई है कि भारत का हेल्थ केयर सेंटर की किस तरह से दुर्दशा है और रूरल एरियाज में तो और ज्यादा है, इसी के चलते लोग प्राइवेट लोकल प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ जा रहे हैं ना। चलिए बहुत ही बढ़िया समझ में आ रहा है, ओके दैट्स गुड। तो आ जाओ भाई फटाफट से क्वेश्चंस को करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से फटाफट से, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है फटाफट से देखेंगे कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है। द कंडीशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी इन इंडियन विलेज डज नॉट लीव एनीथिंग टू बी डिजायर्ड, कि भाई जो कंडीशन है भारतीय मेडिकल फैसिलिटी की भारतीय गांव में डज नॉट लीव एनीथिंग टू बी डिजायर्ड, कि उसकी इच्छा किसी की होगी है ना। टाइमली हेल्थ केयर इज विद इन ईजी एसेस टू इंडियन टाउन्स, भाई साहब ये तो बिल्कुल भी नहीं है। द स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडियन विलेज इज पिटीफुल बैड, हेल्थ केयर इन इंडियन विलेज इज द स्टेट ऑफ है ना ये ठीक है, द लेस देन सेवन ये गलत ठीक है, लेस देन सेवन पीपल इन इंडिया विलेज हैव द एडवांटेज ऑफ एडिक्वेट, नहीं ऐसा नहीं है। तो ए और सी सही है, तो ए इज ट्रू बी एंड बी इज फॉल्स, ठीक है भाई ये ऑप्शन हो सकता है, बी इज ट्रू नहीं है, सी इज ट्रू हाँ एंड डी इज फॉल्स, ऐसा भी कह सकते हैं ए इज फॉल्स एंड डी इज ट्रू नहीं। तो द स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इन विलेज इज पिटीफुल बैड ये है ठीक है, तो हमारा बेटर ऑप्शन हमारा ये हो सकता है, हालांकि होने को तो ये भी हो सकता है नो डाउट, सी इज ट्रू डी इज फॉल्स, बट ठीक है दो ऑप्शन होते हैं तो फिर हम लोग पहले वाले को अपना ऑप्शन मार्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं, द पैसेज टॉक्स अबाउट, पैसेज किसकी बात करता है भाई, पैसेज जो बात कर रहा है वो किसकी कर रहा है। द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम, भाई सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन तो है नहीं भूल जाओ। द अर्जेंट नीड टू प्रॉप अप मेडिकल फैसिलिटीज इन सब अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया, जी हाँ। द इंप्रूवमेंट ऑफ रूरल हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, नहीं। द इनएफिशिएंसी ऑफ इंडियन डॉक्टर्स टू प्रोवाइड, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो आंसर इज सेकेंड, आपका अर्जेंट नीड है भाई मेडिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव करने का है ना, इंप्रूव करना है उनको बहुत जल्दी से जितना जल्दी हो सके। आगे बढ़ते हैं, द पैसेज मेक्स द पॉइंट दैट है ना, जल्दी से देखो भाई फटाफट से, मेडिकल फैसिलिटीज आर नाउ अवेलेबल टू लार्ज नंबर ऑफ रूरल सिटीजन, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ वुमेन डाई विद व्हाइल गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, मोर देन 60% ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी मेडिकल फंक्शनरीज, जल्दी से देखेंगे क्या किस चीज का पॉइंट मेक कर रहा है, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ वुमेन के मैटरनिटी डेथ की बात कर रहा है, मोर देन 60% रूरल हैज एक्सेस टू बेसिक हेल्थ, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल नहीं है। तो आंसर इज फर्स्ट, मेडिकल फैसिलिटी आर नाउ अवेलेबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ रूरल सिटीजन है ना, ये दिखाना चाहता है कि ये होना चाहिए, यही तो मुद्दा उठाया है कि रूरल एरियाज में भी ये चीजें मिलनी चाहिए, यही तो मुद्दा उठाने की बात हुई है, यही मुद्दा उठाने की बात हुई है, इसलिए 26 का फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, फटाफट से देखेंगे जी जल्दी से, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर पीपल इन इंडिया टर्न टू लोकल प्राइवेट, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर, प्रॉपर हेल्थ केयर की कारण पीपल इन इंडिया टर्न टू लोकल प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, द सिनेरियो इन पब्लिक हेल्थ केयर
हार्डली रिक्वायर न्यू प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जो सिनेरियो पब्लिक केयर हार्डली रिक्वायर, मुश्किल से उनको कुछ रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स प्रूव अनप्रोडक्टिव ओइंग टू गैप इन इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द प्राइमरी केयर हेल्थ सेंटर आर पुअरली इक्विप्ड। तो ये तो सही है, ये भी सही है, द सिनेरियो इन पब्लिक हेल्थ केयर हार्डली रिक्वायर्स। तो यहां पर ये कह सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि भाई जो पब्लिक हेल्थ केयर है उनको कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा नहीं है, उनको भी चाहिए, तो ये ट्रू नहीं है, बाकी तो सारे ट्रू थे। चलो आगे बढ़ते हैं। द वर्ड थॉट यूज इन द, है ना, फटाफट से देखेंगे भाई इसका क्या मतलब है। तो फैसिलिटेट, आप जानते हैं फैसिलिटेट का मतलब उसको बेसिकली रिकॉग्नाइज कराना, तो ऐसा नहीं है। फिर एक्सपीडाइट, जल्दी से देखेंगे एक्सपीडाइट का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा। एक्सपीडाइट मींस प्रोग्रेस को दिखाते हैं, तो यहां पर प्रोग्रेस की भी बात नहीं हुई है। रिग्रेसिस है ना, इसकी भी बात नहीं हुई है, तो यहां पर ऑब्स्ट्रक्ट है, प्रीवेंट करता है, हमने बताया था प्रीवेंट जैसा है, प्रीवेंट का मतलब यहां पर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। तो रिग्रेस का मतलब होता है रिटर्न काइंड ऑफ, तो यहां पर आंसर इज सी, ऑब्स्ट्रक्ट। Which of the following antonym of the word lack? Lack का opposite क्या हो जाएगा? Want हो जाएगा, destitution हो जाएगा, deficiency या plenty? फटाफट से बताओ। Opposite है तो भैया plenty हो जाएगा। Lack का मतलब कमी, plenty का मतलब ज्यादा। आगे बढ़ो। Which of the part following sentence contain error? कौन से में error है? I shall not be able to reach your place unless you do not. भाई साहब याद रखना, until और unless दोनों ही कैसे शब्द हैं बच्चे? नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो इनके साथ नो, नॉट, नेवर, इस तरह के शब्दों का यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो भैया ये हटा दो, अनलेस यू गिव मी एन आर, है ना, इस तरह से हो जाएगा। अनटिल हुआ, अनलेस हुआ, इनके साथ नेगेटिव वर्ड्स अलग से नहीं आ सकते, तो इसीलिए मेरे बच्चे ये यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। अनलेस यू डू नॉट नहीं हो सकता, अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, ठीक है। अनटिल और अनलेस दोनों ही मेरे बच्चे नेगेटिव हुआ करते हैं। फटाफट से देखेंगे, ये एक और पैसेज है भाई, इसको फटाफट से करते हैं। जल्दी से पढ़ो, एक मिनट है आपके पास, हालांकि तो इसको डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपना इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूर लेकर आए। चलो जल्दी से देखेंगे जी। देखो हमारे पास ज्यादा समय इसलिए लगता है पैसेजेस में, क्योंकि पैसेज को पढ़कर आपको समझाना है, फिर उसके क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। मेरे बच्चे एक क्लास और मैं लेकर आऊंगा, एक मास्टर क्लास में और लेकर आऊंगा, ठीक है ना, एक मास्टर क्लास और लेकर आऊंगा। अभी आपने देखा होगा करविल पर अभी काफी सारी मास्टर क्लासेस और भी आ रही हैं, जब सारी मास्टर क्लास खत्म हो जाएंगी तो एक मास्टर क्लास बच्चे और हम लोग लेकर आएंगे, सो दैट कि अपने बचे हुए जो क्वेश्चंस है ना उनको हम लोग पूरा कर पाएं, ठीक है। क्योंकि पैसेजेस में ज्यादा समय लगता है, पैसेजेस को करने में, अटेम्प्ट करने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई क्वेश्चन पूछा गया, मतलब जीएस तो है नहीं, है ना, कि जीएस फटाफट से कर लिया, मैथ्स भी नहीं है कि मैथ्स में फटाफट से क्वेश्चन करा, कट 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 ऑप्शन से करते चले गए, इसमें हमें समय लगता है, पढ़ना पड़ता है, तो ठीक है। तो इसको हम लोग बिल्कुल आगे देखेंगे, निश्चिंत रहना इस चीज को, एक मास्टर क्लास और लेकर आऊंगा मैं। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द इंडिविजुअल लर्न्स टू बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सोशलाइजेशन ही एक ऐसा प्रोसेस जिसके चलते एक इंडिविजुअल को एक्सेप्टेड मेंबर सोसाइटी का माना जाता है। एट बर्थ द न्यूनेट का मतलब जो पैदा हुआ है इज नाइदर सोशल नॉर अनसोशल। भाई जन्म के समय ना तो सोशल होता ना ही अनसोशल, ना तो किसी से बात कर सकता ना एक्सेप्टेड एज सच, है ना, बिकॉज ऑफ हिज हेल्पलेसनेस एट बर्थ, है ना, क्यों कुछ कर नहीं पाता, ना बोल पाता, ना कुछ कह सकता। ही हैज टू डिपेंड ऑन अदर सोशल बींग फॉर हिज केयर एंड वेलफेयर। वो बाकी और लोगों पर डिपेंडेंट है। एज ही ग्रोज इन अ सोशल एनवायरमेंट, धीरे धीरे जैसे ही वो सोशल एनवायरमेंट में ग्रो होता है, एंड इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट He develops various types of behavior. धीरे धीरे वो काफी सारा उसके बिहेवियर स्टार्ट होता है, डेवलप होता है, which are called social and gradually grows to become a social animal. और धीरे धीरे वो सारी चीजों को सीखता है, आसपास लोगों को देखता है, उनके बिहेवियर को देखता है, तो उसका भी अपना एक बिहेवियर स्टार्ट होता है और वो धीरे से धीरे क्या बनता है, एक सोशल एनिमल बनता है, तैयार होता है ना। सोशल एनिमल का मतलब जानवर नहीं, प्राणी बच्चे, है ना। The interaction of the baby with his environment and particularly with his mother
जो उसका इंटरेक्शन है एनवायरमेंट के प्रति और सबसे मेन जो उसकी मदर के साथ है, हेल्प्स हिम इन दी अबव प्रोसेस, इस सोशलाइजेशन वाले प्रोसेस में उनकी सबसे ज्यादा मदद करता है एनवायरमेंट और सबसे मेन मदर, दस लर्निंग टू अडेप्ट टू सोशल नॉर्म्स। ठीक है, अब वो जो सोशल के जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वैल्यूज है एंड स्टैंडर्ड है, इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। तो जो सामाजिक नियम कायदे कानून है, है ना, स्टैंडर्ड है, उनको जब हम लर्न करते हैं वही तो क्या कहलाता है, सोशलाइजेशन कहलाता है। एनीवन हु डज नॉट एक्सेप्ट दी एक्सेप्ट एंड फॉलो दी डूज एंड डोंट्स, भाई कोई भी इंसान जो इन चीज को एक्सेप्ट नहीं करता और डूज और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, रूल्स को एंड रेगुलेशंस को, वैल्यूज को एंड नॉर्म्स को ऑफ द सोसाइटी, इज नॉट कॉल्ड अ सोशलाइज्ड इंडिविजुअल। जो इन चीजों को नहीं मानता, जो इन चीजों को नहीं मानता कि क्या चीजें करनी चाहिए, क्या अच्छी है क्या बुरी है, जो उनको मानता ही नहीं है, उसको हम सोशलाइज्ड पर्सन नहीं मानते। जैसे जो गुंडे मवाली काइंड ऑफ गून्स होते हैं, हॉलिगन्स होते हैं, तो उनको सामाजिक नहीं माना जाता फिर, है ना। तो समाज में रहने के लिए हमारे को समाज के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको कहीं ना कहीं फॉलो करना है, मानना है। चलिए, द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड टेक प्लेस थ्रू एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड अदर इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अब जो सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड जो है ना, वो शुरुआत कहां से होता है, एक्शन और रिएक्शन जो बच्चा करता है और बाकी जो दूसरे इंडिविजुअल हैं, मेंबर हैं सोसाइटी के, उनके बीच में एक्शन रिएक्शन से वो चीजों को धीरे धीरे चीजों को सीखता है। द चाइल्ड बिगिंस इंटरेक्शन फर्स्ट विद हिज मदर, सबसे पहले इंटरेक्शन वो अपनी माँ के साथ करता है, देन विद हिज फादर, फिर अपने फादर के साथ, एंड सब्सिक्वेंटली विद अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और फिर बाकी अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ वो चीजों को करता है, सबसे पहले मदर के साथ, है ना, फिर फादर, फिर बाकी मेंबर्स। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ये काफी कॉम्प्लेक्स है, है ना, कंफ्यूज कर देने वाला है। इट इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसेसेस, काफी प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, एज इट इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोशल नॉर्म्स, क्योंकि काफी सारे सामाजिक नियम कायदे कानून होते हैं तो उनको इन्वॉल्व करता है, तो इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। इट इन्वॉल्व्स अ वेरियस रोल्स विच द इंडिविजुअल हैज टू प्ले इन ऑर्डर टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, ये काफी सारे रोल्स को अपने अंदर इन्वॉल्व करता है जिससे कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल को प्ले करना पड़ता है और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना पड़ता है। नॉट ओनली द पेरेंटल इन्फ्लुएंस एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स एडल्ट बट ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ नेबरहुड इज ऑफ ट्रेमेंडस वैल्यू इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, ना सिर्फ अपने घर या फिर अपने दूसरे एडल्ट की बात करें बल्कि आस पड़ोस में भी कैसी चीज है वो भी बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है सोशलाइजेशन के इस प्रोसेस में बच्चे के लिए। थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, है ना, समाजीकरण के इस प्रोसेस के कारण के जरिए वेरियस वैल्यूज, काफी सारी वैल्यूज, नॉर्म्स एंड मोर ऑफ द सोसाइटी बिकम पार्ट ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ये सोशल वैल्यूज, है ना, उसकी पर्सनैलिटी का ही क्या बन जाती है, हिस्सा बन जाती है। वेन ही एक्सेप्ट दीज विलिंगली, जब वो इनको अपनी इच्छा से स्वीकार करता है रादर देन एज अ मैटर ऑफ कंपल्शन, कि भाई वो इन चीजों को अपनी इच्छा से स्वीकार कर रहा है, ये नहीं कि कंपल्शन उसके ऊपर कोई जबरदस्ती हो गई इस वजह से, ही इज सेट टू बी सोशलाइज, जब वो समाज के सभी दायरे को, अच्छी चीजों को, बुराई को, उनके रूल रेगुलेशन को अपनी इच्छा से स्वीकार करता है तभी उसको सोशलाइज्ड पर्सन माना जाएगा, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। ठीक है, चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फटाफट से देखते हैं जी क्वेश्चन के आंसर्स, फटाफट से आ जाओ भाई। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, सोशलाइजेशन मींस, है ना, ऑथर के हिसाब से सोशलाइजेशन क्या है, कीन अवेयरनेस ऑफ वंस मॉरल ऑब्लिगेशन, उसको अपनी ड्यूटी पता लग जाना, बीइंग लॉयल एंड ड्यूटीफुल टू वंस पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए ड्यूटीफुल हो जाना, कंसर्न फॉर द सफरिंग एंड मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर, कि लोगों के दुख पीड़ा को समझना, एक्सेप्टिंग एंड फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जी हाँ, समाज के नॉर्म्स और वैल्यूज को समझना ही क्या कहलाता है, ऑथर के हिसाब से सोशलाइजेशन कहलाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया भैया, डी, डी इज योर आंसर, डी आपका क्या हो गया मेरे बच्चे, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, द चाइल्ड लर्न्स हिज फर्स्ट लेसन इन सोशलाइजेशन, जो बच्चा है वो अपना जो पहला लेसन है सोशलाइजेशन में वो लर्न करता है कहां से, फ्रॉम हिज स्कूलमेट्स एंड टीचर, अपने स्कूलमेट्स और टीचर्स के थ्रू, है ना, when he is mature enough to understand social life from his mother and family environment by adjusting himself to the external environment, भाई सबसे पहले तो क्या करता है,
एक्सटर्नल एनवायरमेंट में खुद को डालता है ना। तो आंसर अगेन फोर्थ हो जाएगा। सबसे पहले तो बाहर आने के बाद है ना, वॉम्ब से, गर्भ से बाहर आने के बाद वो अपने आप को एडजस्ट करता है बाहर के एनवायरमेंट में, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि वो हेल्पलेस होता है उस समय। एन इंडिविजुअल हु इज नॉट सोशलाइज्ड है ना, वो कौन होगा? इज स्पर्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, इज अ बर्डन ऑन अदर्स, इंडल्स इन नेफेरियस एक्टिविटीज, डज नॉट फॉलो डूज एंड डोंट्स ऑफ द सोसाइटी। जल्दी से देखें, फटाफट से जल्दी से देखेंगे जी। इंपॉर्टेंट है पैसेज बच्चे, आपके जीवन से जुड़ा हुआ पैसेज सा है ना, और ये सोशलाइजेशन आपको भी करना आना चाहिए ना। जल्दी से देखेंगे भाई, एन इंडिविजुअल हु इज नॉट सोशलाइज, जो सोशलाइज नहीं है वो कौन होगा? इज स्पर्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, इज अ बर्डन ऑन अदर्स, ऐसा तो नहीं है भाई। इंडल्स इन नेफेरियस एक्टिविटी, ऐसा भी पैसेज में कुछ नहीं कहा। डज नॉट फॉलो द डूज एंड डोंट्स ऑफ द सोसाइटी है ना, तो इससे बेटर हमारा ये वाला चॉइस हो गया, जो क्या करना है क्या नहीं करता उनको फॉलो नहीं करता, वही सोशलाइज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, किसका इंपैक्ट नहीं होता? पेरेंट्स का होता भैया, नेबर्स का होता है, स्कूल का होता है, सबका होता है, रिलीजन का ऐसा से नहीं होता बच्चे पर, तो धीरे धीरे आगे चलकर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टू। चलो, सोशलाइजेशन से रिलीजन का ऐसा कोई खास लेना देना नहीं है, हालांकि होता है बट वो बच्चे में नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ सोशलाइज्ड इंडिविजुअल इज एन एसेट टू सोसाइटी है ना, जो सोशलाइज्ड है वो क्या है? एसेट है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोशल नॉर्म्स। जल्दी से देखेंगे भाई, अब जो सोशलाइज पर्सन है वो एसेट है सोसाइटी के लिए, ऐसा तो पैसेज में कुछ नहीं कहा गया, तो ये गलत है हमारा। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोशल नॉर्म्स, हाँ ये सही है। तो ए इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट। ए इज ट्रू, बी इज नहीं, ये गलत हो गया। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, हाँ बोथ ए एंड बी आर ट्रू, नहीं दोनों फॉल्स नहीं। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, कि भाई प्रोसेस ए फॉल्स है और बी इज ट्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सिमिलर टू द वर्ड कॉम्प्लेक्स। भाई कॉम्प्लेक्स का मतलब चैलेंजिंग नहीं, फॉर्मिडेबल नहीं, पजल, पजल का मतलब भ्रमित कर देना नहीं, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लिकेट है ना, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इजी है ये, शायद डिस्कस करने लायक भी नहीं था वर्ड, इतना इजी था। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली की बात करें तो फ्रेंटिकली नहीं, डेस्परेटली नहीं, अब रैपिडली और हेस्टिली दोनों हो सकते हैं बच्चे, आंसर इसके दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, सेकेंड भी और थर्ड भी, अब आप कोई भी दे सकते हो। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, रैपिडली और हेस्टिली का मतलब होता है तेजी से। अगर इसमें भी मैं एक चॉइस करना चाहूं तो ये मेरे लिए ज्यादा बेटर है, अच्छा वर्ड है, इसीलिए मैं इसको प्रेफरेंस दे सकता हूं, ये हो जाएगा। हालांकि बी करेक्ट है, वो भी ठीक है, रैपिडली भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं मेरे बच्चे, दोनों के दोनों करेक्ट आंसर हो सकते हैं। चलो जी, द प्रोसेस, इसमें क्वाइट को बताना है क्या है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मेरे बच्चे एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को और ज्यादा मीनिंग देने के लिए हमने क्वाइट का यूज किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो इसीलिए हमारा ये आंसर हो गया एडवर्ब। क्वाइट इज एडवर्ब, अगेन एडवर्ब ऑफ डिग्री है, अगेन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। जल्दी से देख लेते हैं, ये एक और छोटा सा पैसेज है, फटाफट से पूरी स्पीड से देखेंगे है ना। चलो पूरी स्पीड से, वी ऑल वॉन्ट टू द बेस्ट पेरेंट्स वी कैन बी फॉर अवर चिल्ड्रन। हम सभी अपने बच्चों के बेस्ट माँ बाप बनना चाहते हैं है ना, बेस्ट पेरेंट्स बनना चाहते हैं, बट देर इज ऑफन कंफ्लिक्टिंग एडवाइस ऑन हाउ टू रेज अ चाइल्ड हु इज कॉन्फिडेंट। बट हमेशा ये एक थोड़ा सा कंफ्लिक्ट रहता है, एक सलाह होती है कि भाई एक जो कॉन्फिडेंट बच्चा है, काइंड है, सक्सेसफुल है, उसको किस तरह से रेज किया जाए, जो पहले से ही मतलब कॉन्फिडेंट है, दयालु है, सक्सेसफुल है। थ्रू आउट द सर्कस एक्ट ऑफ पेरेंटिंग है ना, कि भाई सर्कस एक्ट ऑफ पेरेंटिंग का मतलब कि भाई भागदौड़ भरी जिंदगी रहती है पेरेंट्स की,
इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन बैलेंसिंग प्रायोरिटीज, कि भाई प्रायोरिटीज को बैलेंस करना है, जगलिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको अच्छे से पूरा करना है, क्विकली फ्लिपिंग बिटवीन द नीड्स ऑफ योर चिल्ड्रन एंड अदर फैमिली मेंबर्स, कि भाई बच्चों की जो नीड है और दूसरे फैमिली की जो नीड है उनके बीच में फ्लिप करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना, एंड योरसेल्फ। मॉडर्न पेरेंट्स हैव द एंटायर इंटरनेट एट देयर डिस्पोजल, जो आजकल के पेरेंट्स हैं उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, एंड डो नॉट फॉलो एनी सिंगल अथॉरिटी, और वो किसी सिंगल अथॉरिटी को फॉलो नहीं करते as such. It is hard to know whom or what to trust. Whom है कि किसको और किस चीज को, है ना, किस व्यक्ति को और किस चीज को ट्रस्ट करना चाहिए, ये बहुत मुश्किल होता है ना। रिसर्च टेल अस दैट टू रेज अ सेल्फ, रिसर्च बताती है कि भाई खुद को रेज करने के लिए रिलायंट चाइल्ड विद हाई सेल्फ एस्टीम, है ना, इट इज मोर इफेक्टिव टू बी अथॉरिटेटिव, है ना, अथॉरिटेटिव होना ज्यादा जरूरी है देन अथॉरिटेरियन, ठीक है। अब देखो अथॉरिटेटिव का मतलब होता है ज्यादा एक्यूरेट, और अथॉरिटेरियन का मतलब होता है कहीं ना कहीं एकदम टायरेंट तरह से, डिक्टेटर तरह से, डिक्टेटर नहीं होना बच्चों के साथ, ज्यादा एक्यूरेट रहना है, बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझाना है, बच्चों के साथ कभी भी टायरेंट नहीं बनना है ना, क्रूअल रूलर की तरह नहीं बनना, ठीक है। चलो जी, यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू लिसन, रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट यू रादर देन फियर यू, आपको चाहिए कि आपका बच्चा आपकी रेस्पेक्ट करे, सुने आपको, ट्रस्ट करे, जब आप डरे नहीं आपसे, यू वॉन्ट टू बी सपोर्टिव, उसके लिए आपको सपोर्टिव बनना चाहिए, बट नॉट अ होवरिंग हेलीकॉप्टर पेरेंट, ये नहीं कि उनके सर पर मंडराते रहो, होवरिंग का मतलब जो मंडराते रहते हैं हर चीज पर, बच्चे को डांटते रहते हैं, ऐसा पेरेंट नहीं बनना आपको। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इजी टू सेट, है ना, ये सारी की सारी चीजें आसान है गोल की तरह टू, बट हार्ड टू अचीव, बट गोल बनाना तो इनको आसान है, बट इनको अचीव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाउ डू यू फाइंड द राइट बैलेंस, कि आप कैसे सही चीजों को गेट करोगे। एज योर चाइल्ड डेवलप, जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ रहा है, द चैलेंजेस विल चेंज, जो चैलेंजेस हैं वो धीरे धीरे चेंज होती है, क्योंकि भाई बच्चा है, एक साल का बच्चा की अलग चैलेंज है, दो साल, तीन साल, चार साल, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी प्रायोरिटीज चीजें चेंजेस होती रहती हैं, तो वही तो चैलेंज माँ बाप के चेंज होते रहते हैं। योर थिंकिंग में इवॉल्व, है ना, आपकी जो थिंकिंग है वो इवॉल्व हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बट योर अप्रोच शुड बी कंसिस्टेंट, बट आपकी अप्रोच कंसिस्टेंट होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए, बिल्कुल रिजिड होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड लविंग होनी चाहिए, प्यार से समझाना है बच्चों को। हेल्प योर चाइल्ड लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, अपने बच्चों को एक्सपीरियंस से सिखाने की कोशिश करो, दैट मेक एन एफर्ट, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड हेल्प यू टैकल चैलेंजेस, और आपको भी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, है ना, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। कैलिब्रेट योर एक्सपेक्टेशन, कैलिब्रेट योर एक्सपेक्टेशन अबाउट वॉट योर चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ डूइंग इंडिपेंडेंटली, है ना। तो बेसिकली अपने बच्चों का जो एक्सपेक्टेशंस है उनको कैलिब्रेट करते रहो, बेसिकली चेक करते रहो कि आपका बच्चा क्या करने लायक है इंडिपेंडेंटली। वेदर यू हैव एन इन्फेंट लर्निंग टू स्लीप थ्रू द नाइट, बेशक आपके पास एक छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, जिसको रात में सुनाना है, अ टॉडलर हेल्पिंग टू पुट टॉयज अवे, एक जो टॉडलर है जो दो से तीन साल लड़खड़ा कर चलते हैं कि वो टॉयज को अलग करके रखे, एन ओल्डर चाइल्ड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो बड़ा बच्चा है उनसे जो कंफ्लिक्ट है उनको रिजोल्व करना, हर एस्पेक्ट को आपको समझ में आना चाहिए। रिमेंबर देयर इज नो वन राइट वे टू रेज अ चाइल्ड, ऐसा कोई सही तरीका नहीं कि यही तरीका इस तरह से बच्चे को रेज करा जा सकता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करो, ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पर भरोसा करो, एंड एंजॉय द कंपनी ऑफ द स्मॉल पर्सन इन योर लाइफ, और अपने साथ जो छोटा बच्चा है उसकी कंपनी को एंजॉय करो। ऐसा नहीं कि बच्चे को आप कहो भाई यही एक तरीका है, इस तरीके से बच्चा बिल्कुल सही है ना, नहीं ऐसा नहीं हुआ करता, ऐसा नहीं हुआ करता मेरे बच्चे, ठीक है। तो चलिए जी फटाफट से देखेंगे, फटाफट से देख लो 39th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द ऑथर पेरेंट्स इज पेरेंटिंग इज चैलेंजिंग बिकॉज, पेरेंटिंग जो है वो चैलेंजिंग है भैया, बिल्कुल फैक्ट है। आप में से भी अगर कोई पेरेंट होगा तो इट इज मोस्ट चैलेंजिंग। देयर इज ऑफन लैक ऑफ हार्मनी एंड कोऑपरेशन इन द फैमिली, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट cause a lot of stress, parents have to fulfill the diverse need of family members, it requires training in planning and managerial skills. भाई कभी कभी घर में क्या हो जाता है, lack of harmony, शांति नहीं रहती, cooperation नहीं रहता family में, ठीक है ना, तो यही fact है भाई, चलता रहता है ना घर में, तो ये इस तरह के झगड़े बच्चों के साथ मार कुटाई चलती रहती है ना, जानते ही हो आप। आगे बढ़ते हैं, which of the following is the most effective in raising an independent self respecting child, सबसे बेस्ट क्या है,
अथॉरिटेरियन अप्रोच नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। टायरेंट मतलब डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी बच्चे के सामने, है ना, उससे बच्चा ढीट बन जाएगा। अथॉरिटेटिव अप्रोच, हाँ ये सही है, बींग टू अफेक्शनेट, इतना ज्यादा बच्चे से प्यार कर लोगे तो वो वैसे बिगड़ जाएगा। ऑल कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंस दे दोगे तो बच्चा और बिगड़ जाएगा, है ना। बच्चों को सही समय पर सही चीजें देना, प्रोवाइड करना, सही गाइडेंस देना, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटेटिव अप्रोच, इज बेस्ट फॉर रेज आ चिल्ड्रन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टर्म अ हेलीकॉप्टर पेरेंट्स रेफर टू अ पेरेंट, एक ऐसा हेलीकॉप्टर पेरेंट्स का मतलब क्या है, जो मंडराता रहे, इज वेल्दी बट नॉट, नहीं जी, पेज एक्सट्रीमली क्लोज अटेंशन टू चाइल्ड एजुकेशन प्रॉब्लम एटसेट्रा, प्रोवाइड देयर चाइल्ड विद ऑल कंफर्ट्स, नहीं, एक्सपेक्ट हिज चाइल्ड टू आउट परफॉर्म, नहीं, तो मंडराता रहे, है ना, हर चीज, हर कोई प्रॉब्लम, एजुकेशन ये हो गया, अच्छा कितने मार्क्स आए, घर में घुसते बेटे पहले ये मत बता दिन कैसा गया, ये बता तेरे मैथ्स में कितने नंबर आए, है ना, ऐसे ऐसे पेरेंट्स कभी बख्शे जाते नहीं, बच्चे नफरत करने लगते उनसे। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स पेरेंट्स बेस्ट इन ब्रिंगिंग अप अ रियली गुड चाइल्ड, जल्दी से देखेंगे भाई, एन एक्सेलेंट स्कूल, द इंटरनेट, द काउंसलिंग बाय एक्सपर्ट, और अ डिसेंट नेबरहुड, जल्दी से बताएं भाई। तो भाई अगर हम बात करें नॉर्मली, तो इंटरनेट से तो भैया बच्चे बर्बाद हो रहे, काउंसलिंग बाय एक्सपर्ट नहीं, ये होना चाहिए एन एक्सेलेंट स्कूल, एक अच्छा स्कूल बच्चों पेरेंट्स की हेल्प करता है बच्चे को रेज करने में, ना, अच्छा स्कूल मिल जाए तो आधी कंडीशन वैसे ही ठीक हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इज द मीनिंग टू द प्रायोरिटीज, भाई सब बिल्कुल आसान है, प्रायोरिटीज का मतलब, प्रायोरिटीज का मतलब आप जानते हो, प्रेफरेंसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म, फॉर्म का हमें क्या बताना है, ऑपोजिट, फॉर्म का मतलब मेरे बच्चों हमें क्या बताना है, ऑपोजिट, फॉर्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रिजिड एकदम, है ना, स्ट्रॉन्ग रिजिड हो जाता है। इनडिसिसिव का मतलब, इनडिसिसिव तो नहीं होगा बच्चे, इनडिसिसिव का मतलब हमारा हो जाएगा अनसर्टेन काइंड ऑफ, ठीक है, फीबल, हाँ ये होता है वीक। ग्लॉसी आप जानते हो भैया, ग्लॉसी लुक, है ना, स्मूथ लुक बोल देते हैं, और डिफिडेंट का मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो यहां पर आंसर इज फीबल, फीबल का मतलब कमजोर, है ना, फर्म का मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का उल्टा वीक होता है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, कौन सा पार्ट में एरर है, एज योर चाइल्ड विल ग्रो न्यू चैलेंजेस विल राइज, ठीक है, जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ेगा चैलेंजेस आएंगे, है ना, तो ध्यान से देखना, याद रखना मेरे बच्चे, दो बैक टू बैक सेंटेंसेस में विल यूज नहीं होता, दो फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं आते, तो फ्यूचर में अगर एक के बाद एक काम हो रहा हो तो जो फर्स्ट एक्शन है ना उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में रखेंगे, सेकंड को रखेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट। तो पहला क्या है भाई, बच्चा बड़ा होगा तभी तो चैलेंजेस आएंगे, तो एज योर चाइल्ड ग्रोज न्यू चैलेंजेस विल अराइज, ठीक है, इस तरह से हम लोग कर देंगे। तो बच्चे आज के लिए फिर इतना ही रख लेते हैं, लगभग हमारे 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, क्योंकि पैसेजेस में नो डाउट बच्चों समय लगता है, पैसेजेस में नो डाउट समय लगता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक मास्टर क्लास और लेकर आऊं, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि आपके एग्जाम से पहले एक हम लोग क्लास जरूर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, तो इन चीजों को हम लोग कोशिश करूंगा कि एक और मास्टर क्लास, है ना, लगभग मुझे 100 क्वेश्चंस कराने थे और 50 क्वेश्चंस जो बच्चा हमारे बच गए हैं उनको हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, आशा करता हूं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। एक बार मुझे कमेंट करके भी बता दो, एक बार मुझे कमेंट करके भी बता दो कि चीजें आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताएंगे भी फटाफट से, बाकी फिर मुलाकात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ही करेंगे। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों एक बार मुझे बता दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में चलेंगे और जरूर 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 मैं एक और क्लास लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग ने काफी कुछ सीखा होगा, समझ में आया होगा कि किस तरह से अप्रोच रखनी है। फिर मैं आपसे कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो पैसेजेस की, अगर आप प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हो पहले क्वेश्चंस को देख लो फिर आंसर्स को देख लो तो भी बात उतनी ही बढ़िया है, या फिर आप पहले पैसेज को पढ़ो फिर क्वेश्चंस को दे, आप दोनों चीजों को देख सकते हैं, दोनों चीजों को देख सकते हैं बच्चे, है ना। आई होप अच्छा लगा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे बच्चों मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, मुलाकात होती है जल्दी से एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरे बच्चों गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।